हेलो, आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? आई थिंक वी शुड स्टार्ट। एक दो मिनट रुक जाते हैं। सबसे पहले थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत। इतना रिसाउंडिंग, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में बोलते हैं, धमाकेदार लॉन्च का। एक महीना हुआ नहीं और 1.5 लाख के लगभग लोग आ गए। मैं रोते रोते रोज, शर्माते शर्माते, रुकते रुकते, सोचते सोचते बोलता हूँ सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप लोग सब्सक्राइब भी कर देते हैं, और उसके बाद नंबर बढ़ता है। फिर 2-4 दिन में मैं देखता हूँ इंटेंसिटी कम हो गई, फिर बोलते हैं। तो ये बहुत ही अनप्लान्ड था। तो ये एक चीज ये है, बैकग्राउंड आपको दें, हम कभी सोचे ही नहीं थे कि हम यूट्यूबर बनेंगे, फ्रैंकली। और यूट्यूबर कोई खराब बात नहीं, कोई अच्छी बात नहीं, एक वे ऑफ लाइफ है, कम्युनिकेशन की है, एक जरिया है बात करने का। और मुझे तो मजा आता है। शुरू हम किए थे कि चलो कुछ बोलेंगे, कुछ बात करेंगे, कुछ देखते हैं क्या होता है। लेकिन क्या होता है के बाद अब तो मजा आने लग गया। आज जैसे सुबह रिकॉर्ड नहीं करना था कुछ, तो मतलब अजीब सा लग रहा था सुबह का दिन कि रिकॉर्ड करके कुछ लिखना नहीं है। फिर तो भाई चलो 11 बजे तो लाइव ही आना था। तो छोटा सा बैकग्राउंड देके मुद्दे की बात पे, मुद्दे की बात दुकानदारी नहीं है, मतलब #NoDukandari। हम लोग ऑफकोर्स निफ्टी टॉप 20 लॉन्च किए हैं, BM निफ्टी टॉप 20, लेकिन वो बाद की बात है, वो हम इंसिडेंटली देखेंगे। बट फॉर द मोमेंट हम ये देखने की चेष्टा करेंगे कि आप मार्केट में कैसे चीजों को पकड़ते हैं, स्टॉक्स को कैसे लेना चाहिए, स्टॉक्स को कैसे रखना चाहिए। निफ्टी के स्टॉक्स 50 में से वो 20 कौन से बढ़िया शेयर है जो आप ले सकते हैं और जो मैं ले सकता हूं और जो कोई भी इंसान ले सकता है। तो वो 5 कौन से रेशियो है जिससे हम आरओ, जैसे 5 रेशियो, फॉर एग्जाम्पल, रिटर्न ऑन एक्विटी, ग्रोथ, डिविडेंड यील्ड, PE रेशियो। इसमें मुझे पता है काफी लोग बड़े उम्र के हैं, सीनियर सिटीजन हैं, शायद इंजीनियर होंगे, शायद IAS ऑफिसर होंगे, शायद दूसरे बैकग्राउंड से होंगे, फाइनेंस के बैकग्राउंड से नहीं होंगे। तो मेरा काम इसमें ये रहेगा कि मैं एक एक फैक्टर को पकड़ूं और समझाऊं। तो ये हिसाब से अगर हम स्टार्ट करें, तो बैकग्राउंड हमारा क्या है? हम बैकग्राउंड हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हम पर्सनली, हम लोग मारवाड़ी हैं, राजस्थान से निकले हुए हैं, डिडवाना से। और 200 साल, 100-200 साल पहले पटना में हमारे फोर फादर्स, परदादा दादा सब सेटल हुए, मिर्चाई गली लेन में। अभी भी हमारा घर वर वहां पे है पटना में, लेकिन वो हमारे दादाजी और उनके ऊपर के फैमिली का सबका ज्वाइंट प्रॉपर्टी है। तो ज्वाइंट प्रॉपर्टी, आपको पता है क्या हाल होता है, 50-70 साल पहले हमारे ग्रैंडफादर कलकत्ता शिफ्ट हुए। तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा बेल्ट का आइडिया है कि पटना में क्या होता है, क्योंकि पहले तो हम जाते थे मिर्चाई गली पटना में। और पटना में जो मैंने एक और लिखा कि आरा से बलिया आप निकले, तो लोगों ने क्वेश्चन किया कि आपको आरा और बलिया कैसे पता है? तो हमें तो ABCD पता है, आरा, बलिया, छपरा, दरभंगा, ये ABCD बोलते हैं। तो मुझे तो सब पता है, वो एरिया पता है, बनारस पता है, बनारस में हमारे रिलेटिव्स भी रहते हैं। तो एक्चुअली वो सारा बेल्ट हमें पता है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट से मजा भी आता है बात करने में, क्वेश्चन लेने में अच्छा लगता है। तो ये बड़े मजेदार चीज है। तो चलो काम की बात करते हैं शुरू। हम अगर कोई स्टॉक लेते हैं, कोई भी शेयर लेते हैं, कोई भी एनालिसिस करते हैं, तो हम नॉर्मली क्या होता है, एक इंसान, एक नॉर्मल आदमी सिर्फ एक ही फैक्टर देखता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका PE रेशियो कम है। अब PE रेशियो क्या है? आप लोग, मैं 1 सेकंड रुकूंगा, आप लोग कागज पेंसिल लेके बैठेंगे तो शायद आसानी होगी। ऑफकोर्स आप पीछे रिवाइंड करके वापस प्ले भी कर सकते हैं, बट अगर अब मैं 1 सेकंड रुक जाता हूँ, अगर कोई कागज पेंसिल लेके बैठे तो अच्छा होगा। बिकॉज ये चीजें कुछ कुछ हम फॉर्मूला बेस्ड करेंगे, और क्योंकि हम ट्राई करेंगे सब कवर करने का, अगर कुछ मिस हो जाएगा तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। बट मीनवाइल अगर आप कागज पेंसिल ले आए तो अच्छा रहेगा, इंटरेस्टिंग बनेगा। और मैं इसी ढंग से प्रवचन और ज्ञान देता रहूंगा, और जितना मेरा ज्ञान और प्रवचन आपको अच्छा लगेगा आप एब्जॉर्ब करिएगा, अच्छा नहीं लगेगा तो क्वेश्चन पूछिएगा, उस पर हम भी फिर बाद में देखेंगे कैसे क्या रिएक्ट करना है उस पर। तो मैं 1 मिनट में रुकता हूँ, उसके बाद फिर अपने स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट। तो प्राइस अर्निंग्स रेशियो, जो सबसे नॉर्मल सी चीज है, पीई क्या है इस शेयर का? तो पीई रेशियो ये होता है, अगर आप करंट मार्केट प्राइस से ईपीएस को डिवाइड करें, करंट मार्केट प्राइस, अगर कोई शेयर का भाव 2000 रुपया है और उसका ईपीएस
₹100 है तो उसका प्राइस अर्निंग रेशियो हो गया 20, बहुत बेसिक है। और जो लोग को पता है वो लोग थोड़े से बोर भी हो रहे होंगे, बोर मत हो, हम चाहते हैं कि सबको इस कारवा में लेके चले एक साथ, और अगर सबको ही साथ रहेंगे तो अच्छा रहेगा, मजा भी आएगा। तो प्राइस अर्निंग रेशियो हमें पता है, करंट प्राइस डिवाइडेड बाई ईपीएस। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं यार इसका पी रेशियो कम है ये स्टॉक ले लो, इसका पी रेशियो ज्यादा है स्टॉक ले लो। तो पी रेशियो एक ही फैक्टर है देखने का, पी रेशियो के ऊपर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेस नहीं कर सकते हैं अनलेस पी रेशियो आपको कुछ गड़बड़ कर रहा है, बिकॉज पी रेशियो भी अपना रंग और रूप बदलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल साइक्लिकल, साइक्लिकल क्या हुआ, ऐसी कंपनी जैसे स्टील मेटल, उसमें पी रेशियो जब सबसे ज्यादा होगा, जब सबसे ज्यादा पी रेशियो होगा तब आपको उसको लेना है। क्यों? पी रेशियो उसमें सबसे ज्यादा जब जब होगा जब उस चीज का भाव सबसे कम होगा। फॉर एग्जाम्पल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके पहले कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इसमें 20 50 100 कंपनियां डिस्कस करेंगे रैंडमली, सबके बाद मैं नहीं बोलना चाहूंगा रिकमेंडेशन नहीं, क्योंकि उससे मोमेंटम टूट जाता है। मैं पावर पॉइंट और कुछ यूज नहीं करूंगा, मैं ऐसे ही बोलने की चेष्टा करूंगा जैसे हम और आप बैठे हैं शाम को चारपाई पे और चाय पे हो रही है चर्चा। वैसे चाय नहीं है, पानी पीऊंगा ज्यादा, बिकॉज गला नहीं बैठ जाए, इसीलिए। तो वापस स्टार्ट करते हैं। तो प्राइस अर्निंग्स रेशियो के अलग अलग रूप और रंग होते हैं। अगर साइक्लिकल है, अगर वो मेटल कंपनी है, अगर वो स्टील है, अगर वो ऐसी चीज है जिसका रेशियो ऊपर नीचे जिसका भाव होता है, तो पी रेशियो जो है वो ज्यादा होने पे आपको लेना है। क्यों? अगर लोहा ₹40 किलो बिकेगा तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पी दिखेगा 100, बढ़ जाएगा ना, बिकॉज अर्निंग तो है नहीं, प्रॉफिट तो हो नहीं रहा है, तो पी एकदम बढ़ जाएगा बिकॉज ईपीएस कम है और पी रेशियो है प्राइस डिवाइडेड बाई ईपीएस। तो आपको उस वक्त लेना है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जब उसका पी 70-80-100 दिखे तो, क्योंकि उस समय लोहा बिकेगा ₹40 किलो पे, स्टील बिकेगा ₹40 किलो पे। अगर लोहा और स्टील का दाम, मैं लोहा स्टील एक ही समझता हूँ कन्वीनियंस के लिए, बात के लिए, ₹80 किलो बिकेगा, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल जो बुकारो वकारो में हर जगह हमारी प्लांट लगी हुई है वो कमाएगी बहुत पैसा। वो जब पैसा ज्यादा कमाएगी तो उसका ईपीएस बढ़ जाएगा, ईपीएस बढ़ जाएगा और पी आपको दिखेगा 2-3-4। तो 2-3-4 के पी पे अगर आप स्टील अथॉरिटी लेंगे तो आप फंस जाएंगे ऊपर में, क्योंकि लोहा और मेटल में क्या होता है, जब भी पी ज्यादा होता है, ऊंचा होता है पी, उस समय अंडरलाइंग भाव मेटल का सबसे नीचे होता है, और जब भी पी रेशियो आपका कम दिखेगा तो मेटल का दाम ऊपर रहेगा। तो लोहा जब ₹80 बिकेगा, ₹70 बिकेगा, तो ईपीएस मैक्सिमम होगा, ईपीएस ज्यादा होगा, तो हम लोगों ने देखा है कि प्राइस बाय ईपीएस सबसे कम होगा। तो पी रेशियो साइक्लिकल मेटल में, अगर आप स्टील अथॉरिटी ले रहे हैं, आप वेदांता ले रहे हैं, आप जिंदल स्टील ले रहे हैं, आप टाटा स्टील ले रहे हैं, तो कम पी में लेना, ऊंचे पी में बेचना। लेकिन अगर वही कहानी पलटो, वापस आ जाओ आप फॉर एग्जाम्पल ब्रिटानिया पे, जो पिछले 10 साल में टॉप निफ्टी परफॉर्मर स्टॉक है, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, कोई कहानी नहीं, कोई बातचीत नहीं, ना चाय पे चर्चा, ना बिस्किट डुबोना चाय के अंदर, कुछ नहीं, लेकिन ब्रिटानिया चलता गया पिछले 10 साल में, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है ब्रिटानिया। तो ब्रिटानिया अगर आप ले रहे हैं, वो ग्रोथ कंपनी है, अगर वो 15% भी ग्रो करती है और आपको अगर वो 10 के पीई पे मिल गया तो ब्रिटानिया में आप बहुत पैसा बना सकते हो, क्योंकि वो पीई बढ़ेगा और ब्रिटानिया अपनी प्रॉफिट हर साल धीरे 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 करके बढ़ाती रहती है। ब्रिटानिया मत लेने का, मत ले लेना कल जाकर, मैं जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ समझाने के लिए। इसी ढंग से हम ग्रोथ कंपनी अगर लेते हैं, जो कंपनी आप बोल सकते हो कि 10 साल बाद यार ये ज्यादा ही कमाएगी जितना आज कमा रही है उससे, उसमें कम पी में आपको लेना है। अगर आप कोई कंपनी ऐसी मिले आप बोले ये तो यार रेट ले दे के 10 साल बाद उतनी ही कमाएगी जितना आज कमा रही है, तो उसमें आपको पी रेशियो ज्यादा होगा तो लेना है और कम होगा तो बेचना है। तो साइक्लिकल के लिए अलग, ग्रोथ के लिए अलग पी रेशियो। टर्न अराउंड कुछ ऐसी होती है, टर्न अराउंड मतलब आज घाटा कर रही है कल शायद प्रॉफिट कर लेगी। तो अगर आज कोई कंपनी घाटा कर रही है और कल प्रॉफिट कर लेगी तो उसमें पी देखना ही नहीं है। क्या पी देखना, बेचारे की घाटे की दुकान है, आप क्या उसको बोलोगे कि यार तू घाटा कर रहा है, कितना लागत कितना है, कमा कितना रहा है, वो अगला ऐसे ही घाटा कर रहा है, ऐसे ही परेशान है, आप क्या उससे पूछने जाओगे कि कितना कमा रहे हो, कितना क्या कर रहे हो। तो इसी ढंग से अगर आप देखेंगे तो पी रेशियो टर्न अराउंड के लिए डिफरेंट होता है, आपको देखना ही नहीं पी रेशियो। फाइनली अगर मार्केट कैप बहुत छोटा है, बहुत छोटी कंपनी है, 100 करोड़ की कंपनी है, अभी 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 चालू किया, क्या कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। क्या चैनल चला रहे हैं, लोगों को बताने के लिए, क्या बताएंगे, शेयर बाजार। कब चालू किया, 1 महीना पहले। अच्छा 1 महीना पहले, कौन चालू किया है, एक है वो किताब भी लिखे हैं, वो चालू भी किए हैं। अच्छा और क्या कर रहे हैं, वो
वो और भी अपनी दुकानदारी ज्यादा नहीं कर रहे लेकिन ज्ञान ज्यादा दे रहे हैं वो अभी तक तो ऐसा, आगे पता नहीं दुकानदारी शुरू भी हो जाए, अपनी बात कर रहे हैं। तो उसमें क्योंकि छोटा बिजनेस है, अभी अभी शुरू किया है, पी रेशियो देखना ही नहीं है, आपको आगे का देखना है, एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल बाद। कोई बोलेगा तो 70 का पीई पे, 100 का पीई पे, क्योंकि छोटी कंपनी है, मार्केट कैप छोटा है। मार्केट कैप क्या हुआ, नंबर ऑफ शेयर, जितने शेयर उस कंपनी के है, जितनी हिस्सेदारी उस कंपनी की है, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस के साथ, तो आपको मिल जाएगा मार्केट कैप। तो ये अलग अलग जरिए, अलग अलग जरिया होता है देखने का। तो अभी तक हमने पी रेशियो समझा, मार्केट कैप समझा। हम निफ्टी की सारी पोस्टमार्टम करेंगे यही रेशियो के साथ। तो दूसरे चीज पे आते हैं, ग्रोथ। ग्रोथ ये हुआ कि कितनी वो कंपनी बढ़ती रहेगी एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल, पांच साल तक। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर अगर सीमेंट है तो इंडिया में 12-15% बढ़ता है। भाई किसने बोला 12-15%? हमने बोला, आपने बोला, और हम डिस्कस करते हैं कैसे 12-15। 4-4.5% अपना GDP ग्रोथ है हर साल का, 4-5%। वो कोई दिन, कोई साल वो 6 हो जाता है, कभी 4.5 हो जाता है, वो देर रोते गाते हम ऐसे ही करते रहते हैं। 4.5% GDP ग्रोथ है जिसमें इन्फ्लेशन नहीं लेते। GDP ग्रोथ का मतलब कितना सामान ज्यादा बना पिछले साल से। पिछले साल 100 कुर्सियां बनी देश में, इस साल 104 कुर्सियां बनी, तो 4 है GDP का ग्रोथ। पिछले साल कुर्सी आप 200 पे बेचते थे और इस साल 250 पे बेचते थे, कोई फर्क नहीं है उससे, आप सिर्फ कुर्सियां गिन रहे हैं। तो GDP जब हम ग्रोथ लेते हैं तो हम नॉर्मली देखते हैं कि वो इकोनॉमी, वो जो कंपनी है, वो जो कंट्री है, उसमें सामान कितना ज्यादा बन रहा है, सामान का दाम क्या रखा, ऊंचा कर दिया, नीचा कर दिया, मंदी आई, तेजी आई, अपनी जगह। बट GDP ग्रोथ नंबर ऑफ गुड्स के हिसाब से होता है। तो अगर पिछले साल भारत में 10 लाख गाड़ियां बनी, इस साल भारत में 10,50,000 गाड़ी बनी, और पूरे कंट्री में एक ही सामान बना वो गाड़ी, तो 10 लाख से 10,50,000, 50,000 बढ़ा, 50,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100, 5% का GDP ग्रोथ आ गया हम लोग का। चलो भाई खाओ रसगुल्ले और निकालो सूखी मलाई खाने की। तो ये 5% 6% GDP ग्रोथ आना इस सिचुएशन में अच्छा माना जाता है, बिकॉज दुनिया भर में हाहाकार मचा है, कहीं पे कोई ग्रोथ है नहीं। वापस सीमेंट पे आए हम, देखो सीमेंट तो करते करते कहां निकल जाती है गाड़ी, और इसीलिए पावर पॉइंट और वो प्रेजेंटेशन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे फिर जो हमने सेट कर दिया वैसे ही चलता है। इस ढंग से अगर बात होती है तो हम लोग कहीं से कहीं गाड़ी निकाल के चलते हैं, तो उससे क्या हम साथ में 20-20 चीजें और देख लेते हैं। एक और चीज, अगर इन्फ्लेशन हमारा 6% है और GDP ग्रोथ 5% है एग्जाम्पल के लिए, तो 6 और 5 हुआ 11%। क्योंकि जब अल्ट्राटेक अपना प्रॉफिट दिखाएगी तो अल्ट्राटेक अपना प्रॉफिट प्राइस में दिखाएगी, क्वांटिटी में नहीं दिखाएगी, क्वांटिटी में GDP आता है सिर्फ, तो 11% हो गया। अच्छा, मैं सोचता हूँ कि यार 2-3% तो सीमेंट ज्यादा लगेगा पूरे देश में, क्योंकि सीमेंट में 2-3% ज्यादा क्यों लगेगा, क्योंकि काफी चीजें हैं जिनका ग्रोथ नहीं है कंट्री में। फॉर एग्जाम्पल कोलगेट टूथपेस्ट, अब पिछले साल जितने हिंदुस्तान में लोग थे सब कोलगेट करते थे, क्लोजअप करते थे, बाबा जी का लाल दंत मंजन करते थे, पतंजलि का जो भी करते थे। तो अगर बाबा जी का सामान भी आ गया और बाबा जी का सामान आप यूज करना स्टार्ट कर लिए पतंजलि का, तो आप क्या किया, आपने क्लोजअप कम किया, आपने कोलगेट कम किया। और किसी ने बाबा जी घर में बच्चे हैं, बच्चे बोले नहीं हमको बाबा जी नहीं चाहिए, हमको भाई अपना कोलगेट चाहिए, तो बाबा जी का सामान कम हो गया, कोलगेट वापस पड़ गया। तो ले देकर नंबर ऑफ पीपल जो अपना दांत के लिए, दातुन का जमाना तो अब पीछे रह गया, अब अगर जो लोग पेस्ट खरीदते हैं वो उतने ही हैं, वो बढ़ नहीं रहे हैं। तो कुछ चीजों में ग्रोथ नहीं होती है, कुछ चीजों में ग्रोथ ज्यादा होती है। मोबाइल फोन कनेक्शन, इंडिया में हर आदमी के पास मोबाइल आ चुका है, उसमें ग्रोथ नहीं आएगी। ग्रोथ अगर आएगी तो स्मार्टफोन में आएगी। तो इस एंगल से हम देखते हैं, ये चीज मिलाकर हम नॉर्मली लेते हैं कि हम किस ढंग से इसको GDP को साथ कंबाइन करें। तो सीमेंट का ग्रोथ हम देख रहे थे 5% GDP, 6-7% का इन्फ्लेशन, 2-3% अगर हम और ले तो 11-12-13-14 कर करा के। और अल्ट्राटेक क्योंकि राजा भोज है, पूरे कंट्रोल करता है, कार्टल का मालिक है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, वो 1% और कर सकता है। तो 14-15% का सीमेंट का ग्रोथ अल्ट्राटेक कर सकता है अगले 4-5-6 साल तक। अब 15% अगर ग्रोथ होगा तो प्रॉफिट तो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए नॉर्मली, बिकॉज जो उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और जो डायरेक्टर हैं, जो सेल्स में है, जो मुलाजिम है, जो चौकीदार है, जो ड्राइवर है, जो लेबर है, जो काम करता है, और जो मेस में जो खाना बनाता है, कैंटीन में जो रसोईया है, उसकी सैलरी तो नहीं बढ़ेगी ना, उसकी सैलरी उतनी ही रहेगी, और थोड़ी सी बढ़ा देंगे, लेकिन ये नहीं है कि सीमेंट ज्यादा बन रहा है इसीलिए आपने चौकीदार एक एक्स्ट्रा रख लिया। तो कुछ इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज।
देखिए मैं पूरी शेयर बाजार को मैं सोचता हूँ अगर 1-1.5-2 घंटे में समझा दूं तो किस ढंग से आए, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज ये होता है कि अगर आप अपना सेल बढ़ाते हैं, सपोज आप एक मोदी खाने की दुकान चला रहे हैं, आटा दाल चावल भिंडी टमाटर टिंडे प्याज सब बेच रहे हैं, कोने में दुकान है आपकी, दो आपके यहाँ काम करते हैं, हेल्पर है, सामान निकाल ये कर वो कर, उस दिन आपके दुकान में 4 ग्राहक एक्स्ट्रा आते हैं और वो 4 ग्राहक पूरे महीने आते हैं, पूरे साल आते हैं, लेकिन आपके 2 हेल्पर से काम चल जाता है, तो वो 4 ग्राहक से जो आप कमा रहे हैं सारा आपका पैसा जा रहा है नेट प्रॉफिट में, सारा प्रॉफिट में ऐड हो जाता है पैसा, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज, कि जो ऐसा कौन सी बिक्री, ऐसी कौन सी सेल जिसकी सेल बढ़ाने से आपका खर्चा नहीं बढ़े। तो हम सीमेंट के पे अगर आते हैं तो सीमेंट हमको मिल जाता है 12-15% का ग्रोथ। अच्छा, कोई चीजें हैं जहां ग्रोथ 70% की होती है, जैसे पेटीएम, जैसे जोमैटो, जैसे नई कोई चीज, फॉर एग्जाम्पल 2003 से 2008 में ग्रोथ हम देखे थे, टेलीकॉम कंपनी में बेहिसाब ग्रोथ थी, 40-50% हर साल, रिटेलिंग में ग्रोथ थी, बिकॉज अभी 2 साल पहले तक डीमार्ट भी भरता था 30-30% हर साल। तो आप अगर इस ढंग से देखेंगे तो ग्रोथ जो है वो हर चीज के साथ चेंज होता रहता है, कई बार ग्रोथ उस कंपनी के साथ आती है, जोर से आती है, और जब वो कंपनी सैचुरेट कर लेती है, अपना पूरा मार्केट कब्जा कर लेती है, तो उसके बाद वहां पे ग्रोथ आप देखते हैं धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ये एंगल से अगर हम देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि ग्रोथ हर कंपनी का सेम नहीं रहता है, सेक्टर के हिसाब से चेंज होता है, कुछ जो नया सेक्टर होता है, छोटा सेक्टर होता है, वापिस आता है मार्केट में, उसमें ग्रोथ ज्यादा होता है, कई बार सेक्टर वाइज ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे कम होता है। तो ये आपको ग्रोथ एक नंबर हमको लेके चलना है। तो अभी तक हमने 2 चीजें याद किए समझिए, प्राइस अर्निंग रेशियो और ग्रोथ। तो पी और ग्रोथ ये दो बहुत खास चीजें हैं, ज्यादा ग्रोथ होगा तो पी ज्यादा होगा, कम ग्रोथ होगा तो पी कम होगा। आप बोले ऐसे क्यों, कम पी में ज्यादा ग्रोथ नहीं मिल सकता है? नहीं, वो नहीं मिल सकता है, बिकॉज हापुस के आम कभी भी आपको केले के दाम नहीं दिखेंगे, जो हापुस का आम है ना वो हापुस का दाम ही आपको मिलेगा, और केला जो है वो केले के दाम पे दिखेगा। आप बोलेंगे कि केले का दाम पर हमको हापुस के आम दे दो, वो नहीं होता है। तो हापुस का आम क्या है, जो हाई ग्रोथ कंपनी है वो हापुस का आम है, और दाम क्या है केले वाला, लो पी। तो आपको लो पी में हाई ग्रोथ नहीं मिलता है, अगर लो पी में हाई ग्रोथ मिलेगा तो उस समय आप देखेंगे कि पूरी इकोनॉमी में ठंडक छाई हुई है, तभी हाई पी में आपको लो पी में आपको हाई ग्रोथ मिल रहा है। तो नॉर्मली पी रेशियो हम एक देखें, ग्रोथ हम एक देखें, दो। तीसरी चीज पे आते हैं, तीसरी चीज होती है डिविडेंड यील्ड। तो डिविडेंड यील्ड क्या होता है कि अगर हम कोई कंपनी खरीद रहे हैं 100 रुपए की और वो साल का 2 रुपए डिविडेंड देती है, 100 रुपए का स्टॉक लिया, 2 रुपए का डिविडेंड दिया, तो डिविडेंड यील्ड हो गई उसकी 2%। ठीक है, अगर हमने स्टॉक लिया 100 रुपए का और डिविडेंड मिल रहा है हमको 5 रुपए का हर साल, तो डिविडेंड यील्ड हो गई 5%। तो एक होता है डिविडेंड यील्ड। आप बोलेंगे डिविडेंड तो भाई ज्यादा दो, तो डिविडेंड ज्यादा देना अच्छी बात है, मांगना अच्छी बात है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, कंपनी अगर सारा पैसा आपको दे देगी, अगर सारा पैसा आपको दे देगी, आपको मतलब शेयर होल्डर को, मेरे को आपको, तो वो ग्रोथ कहां से करेगी? तो जितना कंपनी बांटेगी उतना उसके पास कम रहेगा। आप उसी पे जाइए, हमारे दुकान वाले पे, मोदी खाने की दुकान, वो सारा रुपया उठाकर घर में लाके दे देता है, भाई तुम लोग खर्चा करो, बच्चे जाते हैं मोबाइल खरीदते हैं, घर में सामान आता है, बढ़िया बढ़िया सामान आता है, सब नए नए कपड़े पहनते हैं, उसको एक नई दुकान डालनी है बाहर वाले गांव में, लेकिन वो जा नहीं पाएगा डालने, क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं बच रहा है। तो आप तो अपना घर वाले की तरह देख रहे हैं कि भाई अच्छा है, वो आता है रोज, हमको पैसा देता है, हमको डिविडेंड मिल गया, लेकिन आपके डिविडेंड लेने से वो तो दूसरी दुकान नहीं डाल पा रहे हैं, दूसरे गांव में या दूसरे शहर में। तो हर चीज का एक पहलू होता है, प्रोज एंड कॉन्स जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं कि इसका दो तरफा हर चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, जो कंपनी डिविडेंड ज्यादा दे रही है वो आपसे ये बोल रही है कि देखो भाई ये पैसे का हमारे पास कोई यूज नहीं है, तो आप ही ले लो वापस। अब गवर्नमेंट में क्या होता है, गवर्नमेंट अपनी सारी कंपनियों से बोलती है आप डिविडेंड दीजिए, आप डिविडेंड दीजिए, आप डिविडेंड दीजिए। तो आप कोल इंडिया को ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल, पावर ग्रिड ले लीजिए, और गवर्नमेंट की कंपनियां जितनी है जो हाई डिविडेंड देती है, ये सब कंपनियों में आपको रिटर्न बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता है? बिकॉज ये सब कंपनी ONGC, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, ये सब कंपनी में अगर आप पैसा टांते जाएंगे, तो वो कंपनी ग्रोथ कहां से करेगी? जैसे भारत पेट्रोलियम, BPCL, 5 साल पहले भी जो दाम था अभी भी वो दाम है,
दस साल पहले जो दाम था मोटा मोटी अभी भी वो दाम है, कोई भी उसमें से कोई डेवलपमेंट होता ही नहीं है सब कंपनियों में। तो डिविडेंड यील्ड वाली कंपनियां जो है जिसमें ग्रोथ नहीं होती है, अब डिविडेंड यील्ड में ग्रोथ नहीं होती है बोलने की जरूरत है? नॉर्मल बात है, क्योंकि ग्रोथ नहीं होती है इसीलिए डिविडेंड दे रहा है, क्योंकि वो भाई अपने बाहर दूसरे गांव में दुकान नहीं बैठा पा रहे हैं तभी घर लाके पैसा देते हैं, लो भाई तुम लोग ही मजा करो, हम तो रुपए का क्या करें, पैसा का क्या करें। तो डिविडेंड यील्ड और ग्रोथ साथ साथ चलती है, जिसके पास ग्रोथ होगा वो डिविडेंड नहीं दे पाएगा, क्यों? क्योंकि वो पैसा कंपनी अपने पास रखेगी, उसको आगे इन्वेस्ट करेगी। और ये जो हम नाम ले रहे हैं, हम सिर्फ निफ्टी फिफ्टी के नाम ले रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला बीपीसीएल, पावर ग्रिड, कोल इंडिया लिमिटेड और ओएनजीसी, एनटीपीसी, ये डिविडेंड देती है बहुत, लेकिन ग्रोथ नहीं है तो शेयर का भाव बढ़ता नहीं है। पिछले 10 साल का भाव दे लीजिए। अच्छा बोलेंगे अरे यार कोल इंडिया तो 130 था 3 साल पहले, अभी देखो 400 हो गया, 200 हो गया, 300। 3 साल की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है 10 साल के पीरियड में कैसे कैसे हम शेयर लें सो दैट 10 साल तक, बिकॉज मुझे इतने क्वेश्चन आते हैं। अच्छा पता नहीं लिखने के लिए लिखते हैं लोग कि सच्ची में ऐसा सोचते हैं, लोग बोलते हैं कि सर 10 साल में 4 गुना पैसा कहाँ होगा। मुझे कई बार लगता है बहुत पेशेंस आ गया सब में 10 साल में 4 गुना, पहले तो नॉर्मली बोलता था मल्टी बैगर बताओ मल्टी बैगर, अब मल्टी बैगर का जमाना लगता है कम हो गया, अब लोग 10 साल में 4 गुना ढूंढ रहे हैं। तो इस एंगल से अगर हम देखें तो डिविडेंड यील्ड वाली कंपनियां जो है वो ग्रोथ नहीं करेगी, आपको सिर्फ मिलेगा डिविडेंड। तो आप बोलेंगे तो क्या प्रॉब्लम है भाई डिविडेंड ही लें, आप डिविडेंड लीजिए, लेकिन फिर अगर आपको डिविडेंड ही लेना है तो बैंक फिक्स डिपॉजिट में रहिए। ये सारा दिन का झमेला कौन ले यहाँ पे कि कब दाव गिर जाएगा, कब नैसडैक बढ़ जाएगा, कब पुतिन रॉकेट अटैक कर देंगे, वहां पे न्यूक्लियर बम चला देंगे। देखो बात ये है कि आपके पास अगर सारा, अगर आपका पूरी संपत्ति 25 लाख रुपए की है फॉर एग्जांपल, घर भर छोड़ छाड़ के 25 लाख रुपए आपके पास है, आप 25 लाख रुपए का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एफडी करेंगे, तो आपको शाम को एक हमारे न्यूज चैनल आता है वो डराता है लोगों को कि भाई अब देखो ये बम मार देगा, ये कर देगा, बिकॉज वो डराएगा नहीं तो आप उसको देखेंगे नहीं, तो जो डराएंगे आप उसको जाकर देखेंगे, तो वो चैनल देखकर आपको एंटरटेनमेंट आएगा। अगर आपका 25 लाख पूरा शेयर बाजार में लगा है ना, तो ऐसे डराऊ वाले चैनल देखकर आपको लगेगा डर कि सच्ची में कल कोई अटैक नहीं कर दे, कोई बॉम्ब नहीं फोड़ दे, कुछ नहीं कर दे। तो ये एंगल से अगर हम एक कोई कंपनी एनालाइज करते हैं तो डिविडेंड यील्ड कंपनी जो है वो ग्रोथ नहीं करती है, और ग्रोथ वाली कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। रेयरिटी होता है, बहुत रेयरिटी होता है कि ग्रोथ वाली कंपनी भी डिविडेंड दे। वो प्लेटफॉर्म बिजनेस होता है, वो हम लोग जब डिटेल में करेंगे तो करेंगे, अभी हम सिर्फ निफ्टी 50 कंपनियों को ढूंढ रहे हैं। तो अभी तक हमारी दो तीन चीज हुई है, पी रेशियो, डिविडेंड यील्ड और ग्रोथ। तो पी रेशियो जिसका हाई होता है वो डिविडेंड यील्ड ज्यादा हो सकता है, पी रेशियो हाई डिविडेंड हाई हो सकता है, सोचिए दो मिनट फिर मैं बताता हूं। पी रेशियो हाई और डिविडेंड यील्ड हाई हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि पी रेशियो अगर हाई है मतलब वो ग्रोथ ज्यादा कर रही है तभी पी रेशियो हाई है, अगर वो ग्रोथ नहीं कर रही होती तो पी रेशियो तो हाई नहीं होता ना। अगर ग्रोथ ज्यादा कर रही है तभी पी रेशियो हाई है, और अगर ग्रोथ ज्यादा कर रही है तो डिविडेंड कहां से दे रही है? तो हाई पी रेशियो के साथ आपको कभी भी हाई डिविडेंड यील्ड नहीं मिलता है, हाई पी रेशियो के साथ आपको लो डिविडेंड यील्ड मिलता है, कम डिविडेंड मिलता है, बिकॉज कंपनी पैसा दे ही नहीं पाती आपको वापस। तो ये तीन एंगल हमने कवर किया अभी। एक होता है फ्री कैश फ्लो। तो फ्री कैश फ्लो क्या हुआ? फ्री कैश फ्लो इसको बोलते हैं हम कि जो कंपनी अपना सारा पैसा फ्री घर में लाती है। फॉर एग्जांपल सीमेंट, हमने अल्ट्राटेक का एग्जांपल लिया, रिकमेंडेशन नहीं है, दूसरे बार बोल रहा हूँ और शायद नहीं बोलूंगा, बट आप समझ लेना पूरे सेशन में इतनी बहुत कंपनियों का हम नाम लेंगे लेकिन रिकमेंडेशन नहीं होगा कुछ भी। तो अल्ट्राटेक का अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं तो अगर अल्ट्राटेक अपना प्रॉफिट कर रही है, पैसा कमाई, साल के एंड पे क्या होगा? बोलेगा, कोई बोलेगा ब्लास्ट फर्नेस टूट गया, कोई बोलेंगे ये बाउंड्री वॉल टूट गई, इसकी छत गिर गई, ये बनाना है, वो करना है, तो फ्री कैश फ्लो नहीं हुआ। वो पैसा से आप जाके ठीक कराएंगे, मेंटेनेंस केपेक्स होगा, और नहीं तो 3-4-5-6 साल बाद आपका जो जितना सामान है वो खराब हो जाएगा, आपको फिर नया लेना होगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं फिर, अगर जो नया सामान लेंगे वो उसको हम बोलेंगे फिर केपेक्स। तो वो फ्री नहीं हुआ कैश फ्लो, वो कैश फ्लो सारा जो पैसा है उसको रीइन्वेस्ट करना पड़ रहा है। तो कुछ कंपनियां होती है जिनको रीइन्वेस्ट करना पड़ता है, कुछ कंपनियां निफ्टी 50 में मेरे ख्याल से ऐसी कंपनी नहीं है जिनके पास फ्री मतलब फ्री कैश फ्लो बहुत कुछ है। एफएमसीजी कंपनियां हैं
लेकिन ऐसी बहुत रेयर कंपनी होती है निफ्टी 50 में जो पूरा रुपया को घर ले आती है, और जो पूरा रुपया घर ले आती है जैसे एशियन पेंट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, इनको लगाना ही नहीं है। अच्छा नेस्ले क्या करती है? नेस्ले तो मैगी बनवाती है कहीं और से, उसको लाती है, ठप्पा मरवाती है, उसी को बोलती है तुम ठप्पा मार के लाना मैगी का, और वो जाकर क्या कर देता है उसको उस कंपनी में, उसको ठप्पा मार के नेस्ले अपना सामान बेच देती है, खत्म काम। तो इस एंगल से अगर हम देखेंगे तो हाई आरओई कंपनीज जो होती है, अब हम हाई आरओई पे आएंगे, उसको नॉर्मली पी रेशियो भी ज्यादा मिलता है। वो क्यों होता है अब हम देखते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या हुआ? वो लागत, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो दुकान वाला था जिसने घर से 20 लाख रुपया लिया और एक दुकान खोली जो हर साल का 5 लाख रुपया कमाता है, तो 5 लाख रुपया कमा रहा है और 20 लाख घर से डाला, हो गया कितना 5/20, 25% का रिटर्न ऑन इक्विटी। लेकिन अगर वो 5 लाख घर पे नहीं दिया, दुकान में ही डाल लिया, तो अगले साल के लिए उसकी इक्विटी हम बोलेंगे 20 तो तुम ले गए थे, पिछले साल का 5 और जोड़ो, पिछले साल का 5 और जोड़कर हो जाता है 25 लाख। तो 25 लाख से अगर वो अगले साल 25% कमाना चाहेगा तो उसको 6,25,000 रुपया कमाना होगा। 5 लाख तो पहले साल कमाया था 20 लाख पे, क्योंकि अगले साल वो 5 लाख और डाल दिया अपने बिजनेस में, तो वो हो गया 25 लाख रुपया। तो उस ढंग से अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो ये क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके काफी काफी, तो वो हम बाद में लेंगे, वो हमारे बैकएंड से हमको बोला जा रहा है सब क्वेश्चंस ले लो, लेकिन हम थोड़ा प्रवचन खत्म कर लें उसके बाद क्वेश्चन लेंगे। तो अगर मैं नीचे मुंडी कर रहा हूँ तो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा रुक के डालिए, आराम से डालिए, बहुत समय है अपने पास क्वेश्चंस लेने का। और चलो ठीक है, फिर क्वेश्चंस ही ले लेंगे जल्दी से, तो चलो खत्म करते हैं इसको। हम लोग कहाँ तक आए थे? हाँ, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, वापस शुरू करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात। पहले साल 20 लाख रुपया लिया, दुकान खोला, दुकान में कमाया 5 लाख, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या हुआ 5/20 × 100, हो गया 25%। दूसरे साल क्या किया, वो 5 लाख और बिजनेस में डाला है तो 25 लाख हो गया। अब 25 लाख रुपया पे 25% कमा सकते हैं ये? नहीं, अब तो 25 नहीं कमा पाएंगे। क्यों नहीं कमा पाओगे? पहले साल तो कमाया था तुमने, 25% कमा के दो हमको, तो 25% अगर दूसरे साल कमाता है तो होता है 6,25,000 रुपया। तीसरे साल के लिए 25 लाख तो पहले का हुआ, 20 लाख पहला साल का, 5 लाख प्रॉफिट 25, दूसरे साल का 6,25,000 प्रॉफिट, 31,25,000 में उसको फिर कमाना है 25%। इसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी लगता आसान है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी का प्रॉब्लम क्या है? अगर वो पहला साल ही 20 लाख में से 5 लाख कमाया हुआ घर पे दे देता है डिविडेंड के हिसाब से, तो अगले साल में 20 लाख से फिर 25% कमाता तो 5 लाख ही आता, लेकिन उसका ग्रोथ नहीं आता। तो ग्रोथ किससे आ रहा है? वो अगर पैसा रिटेन कर लेता है, बिजनेस में रख लेता है, व्यापार में पैसा रख लेता है, तभी उसका ग्रोथ आता है। अगर वो पैसा नहीं रखता है तो उसका ग्रोथ नहीं आता है। तो हाई आरओई कंपनीज जो होती है नॉर्मली, और वो हाई ग्रोथ के साथ आ जाए, तो ये हो गया सोने पे सुहागा। आप ऐसे समझिए कि हाई आरओई और हाई ग्रोथ। अब आप बोले आरओई क्या हुआ भाई? अरे आरओई ये 25% वाला जो अभी किए थे हम लोग कि 5 लाख रुपया और 20 लाख, इसके ऊपर अगर ज्यादा ग्रोथ मिल जाए। ग्रोथ क्यों? क्योंकि आप उस नए वाले 5 लाख रुपया और अगले साल जो 6,25,000 हुआ उसको आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, और किसमें? आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्ट जब ही करेंगे जब आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगा, आपको कोई आगे स्कोप नजर आएगा, तभी आप इन्वेस्ट करेंगे ना। तो सेकेंड ईयर में अगर आरओई 25% बनाया, थर्ड ईयर भी 25% बनाया, तो ग्रोथ आपका ज्यादा होता है। तो हाई ग्रोथ हमने देखा है ना, हाई ग्रोथ होने से क्या मिलता है? हाई पीई मिलता है। हाई ग्रोथ होने से क्या होता है? हाई पीई मिलता है, लेकिन डिविडेंड कम मिलता है। क्यों? अरे भाई घर में पैसा दे देगा तो ग्रो कहां से करेगा? तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाली कंपनियां जो हाई ग्रोथ कर रही है, हाई पीई है, वो बहुत रिटर्न देती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पिछले 10 साल का निफ्टी का रिटर्न देखें, नंबर वन कंपनी है बजाज फाइनेंस रिटर्न में। क्यों? ग्रोथ भी ज्यादा था, आरओई भी अच्छा खासा था, फिर ब्रिटानिया, फिर हमने देखा कि रिटर्न वाइज हमने क्या, हमको लास्ट इतने सालों में रिटर्न वाइज हमको क्या मिला सबसे ज्यादा? फिनसर्व, जेएसडब्ल्यू स्टील, वो सिक्लिकल है, लेकिन जबकि स्टील अथॉरिटी बेचती है 45,000 रुपये का स्टील, जेएसडब्ल्यू बेचती है 90,000 रुपये का स्टील, वैल्यू एडिशन करती है। तो ये तो अपने बुकारो में ठक पीट के प्लांट उतना ही बना के उतना ही बेच देते हैं, खुश हो गए, सब जितना हो गया हो गया, क्योंकि ये सरकारी आदमी है, ज्यादा रिस्क भी लेगा नहीं, रिस्क लेने पे कल इंक्वायरी बैठ जाएगी, आपने प्लांट क्यों बैठाया, ये क्यों ओवररन क्यों हुआ, नहीं हुआ, 20 तो झमेले। जेएसडब्ल्यू प्राइवेट आदमी है, वो तो कुछ भी कर लेता है।
टाटा है वो ना प्राइवेट है ना सरकारी है, वो कहीं कहीं बीच में है, क्योंकि टाटा में क्या है, करप्शन है नहीं, लेकिन ग्रोथ वाइज वो पूरा ब्यूरोक्रेसी फॉर्मेट फॉलो करते हैं। अब जैसे टाटा जाके कोरस ले लिया यूके में, अगर जेएसडब्ल्यू होता तो चाबी उठा के बकिंगम पैलेस के बाहर फेंक के आ जाता, बोला हमको नहीं करना आपका काम। लेकिन टाटा है क्योंकि 150 साल 100 साल की इज्जत मर्यादा सब है, तो भाई घाटा भी करेंगे लेकिन काम चलाएंगे। तो इस एंगल से अगर हम देखेंगे तो लास्ट 10 सालों में हम लोग अगर ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में निफ्टी के स्टॉक्स में देखें तो सबसे ज्यादा रिटर्न हमको दिया है बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, जेएसडब्ल्यू स्टील, ब्रिटानिया, टाइटन, ये सब कंपनियों ने रिटर्न दिया। सारी आप देखेंगे सारी ग्रोथ कंपनीज आज के दिन, उस समय भी ग्रोथ थी, उस समय ग्रोथ नजर नहीं आता था, आज ग्रोथ नजर आता है। सारी हाई आरओई कंपनीज, ब्रिटानिया, अच्छा आरओई हाई कब होगा वो तो बहुत डिटेल्ड डिस्कशन है, बट आरओई हाई जब होगा जब आप समझो कि कोई भी आप एंगल से आप 10 रुपये का सामान 40 में बेचोगे ना, आपका हाई आरओई हाई होगा। क्यों? क्योंकि मार्जिन बढ़ जाता है। आप कभी वो समोसे की दुकान गए हो, कोई आदमी समोसा 2 रुपये पीस में बेचता है और कोई आदमी समोसा 8 रुपये पीस बेचता है, कोई आदमी आई 5 स्टार में चले गए समोसा खाने तो 250 रुपये का एक समोसा लेता है। तो 250 रुपये का एक समोसा खाता है आदमी, खाता है, वो 5 स्टार में 250 का खाएगा, लेकिन बाहर आके स्टॉल वाले के आगे बोलेगा तुम 10 रुपये रेट बढ़ा दिए हो क्या, क्योंकि 5 स्टार में कोई बोलता नहीं कि 250 क्यों ले रहे हो भाई, 200 ही ले लो तुम, हम 4 पीस लेंगे, क्या रेट लगाओगे, सही रेट लगाओ। तो ये डिफरेंस क्या होता है, वो एक ब्रांड होता है, ठप्पा मारती है, हाँ भाई हमारे यहाँ तो यही रेट है। आप नान खाएंगे अगर 5 स्टार में तो 150 रुपये का एक नान देगा, आप ढाबे में खाएंगे तो 12 रुपया या 10 रुपया 8 रुपये का नान मिल जाएगा। तो वो जब आप प्राइसिंग करते हैं उस चीज को, जब रेट बढ़ाते हैं, ब्रांड करते हैं, जैसे ब्रिटानिया का बिस्किट है, आप ब्रिटानिया का बिस्किट खाएंगे तो उसका एक रेट लगेगा, एक लोकल कंपनी का खाएंगे तो उसका अलग रेट लगेगा। तो जो कंपनी ब्रांड होती है, जो अपने अंदर प्राइसिंग पावर रखती है, उसका आप देखेंगे हर वक्त मार्जिन ज्यादा होता है। मार्जिन ज्यादा होने से रिटर्न ऑन इक्विटी ऊपर बढ़ जाता है। दूसरे एंगल से अगर हम देखें कि लास्ट 10 साल में रिटर्न क्या क्या दिया है, आपको सुनकर हैरानी होगी कि रिलायंस ने 19% हर साल CAGR दिया है रिटर्न, लेकिन रिलायंस का रिटर्न EPS ग्रोथ से नहीं आया, उसका भाव बढ़ गया, PE एक्सपेंशन हो गया। तो हमारे निफ्टी टॉप 20 में हमने रिलायंस नहीं लिया उसमें, और ये मैं ओपनली डिस्क्लोज करना चाहूंगा। और उसका रीजन है कि रिलायंस में एक ही ट्रिगर है, वो अगर इसको अलग करेगी तो, और हमें वो ट्रिगर वगैरह का काम नहीं करना है, हमको EPS ग्रोथ वाली कंपनी चाहिए। तो रिलायंस में EPS ग्रोथ ही नहीं है तो हम क्यों लेने जाएं? SBI लास्ट 10 साल में निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया, निफ्टी से कम रिटर्न दिया है। क्यों? क्योंकि उसका EPS ग्रोथ ही नहीं आया, और EPS ग्रोथ नहीं आया उसके बाद भी वो थोड़ा ज्यादा बढ़ी है, और निफ्टी जो 15% रिटर्न दिया है पिछले 10 साल में, SBI जो है उससे कम रिटर्न दिया है। तो हमको SBI, रिलायंस, ये सब टाइप कंपनीज में जस्ट बिकॉज वो SBI और रिलायंस हमको लेना जरूरी नहीं है, हमको कंपनी वो लेनी है जहां हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो, जहां वो अंडरलाइन बिजनेस काम करे। अच्छा वैसे दुकानदारी तो थोड़ी बहुत तो करेंगे ही, बिकॉज दुकानदारी की सिर्फ बात नहीं है, लेकिन बात है समझाने की कि हमारा जो निफ्टी टॉप 20 फंड है, इसमें जरूरी नहीं है कि आप लगाएं, आपके ऊपर है बिल्कुल लगाना कि नहीं लगाना, बट ये बहुत लो कॉस्ट मॉडल है। 3,000 रुपये में अगर आप लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको कंप्लीट एक्सपोजर मिल जाता है, और टॉप 20 कंपनीज निफ्टी की कौन सी लेनी चाहिए जो आगे जाकर आपको रिटर्न बनाएगी और अच्छा करेगी। और हमने यही सोच कर लिया है कि 15-17% अर्निंग्स ग्रोथ इन सब कंपनियों की हो तो अच्छा होगा। तो इस टाइप से अगर हम कंपनियां ढूंढें और करें तो हमको नजर आएगा कि रिटर्न ऑन इक्विटी, ग्रोथ, डिविडेंड यील्ड और पी रेशियो 4 हुए। एक और है अभी फ्री कैश फ्लो, वो हम कर रहे थे। फ्री कैश फ्लो जो हमने बोला कि कंपनी बिजनेस में पैसा कमाई और वो फ्री कितना छोड़ सकती है वापस लोगों के लिए, अगर वो वापस पैसा छोड़ सकती है लोगों के लिए तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्री कैश फ्लो। अगर वो पैसा फ्री नहीं छोड़ सकती है और उसको धंधा में ही चाहिए, अब धंधा में क्या चाहिए, वो हमारे मोदी खाने की दुकान, वो जहां ज्यादा कमाता है और सामान ज्यादा स्टॉक करके ले आते हैं। पहले 4 पैकेट रखते थे बिस्किट का, वो 12 पैकेट स्टॉक करने लग गए, क्यों? सस्ता मिल रहा था खरीद लिया। अब कोई अपना यान की फैक्ट्री चला रहा है, जहां सस्ता यान मिला ज्यादा उठा के रख लिया, तो वो हो जाता है फिर हमारा फ्री कैश फ्लो नहीं होता है, बिकॉज रुपया कहीं ना कहीं लॉक इन होता है वर्किंग कैपिटल पे, इस पे उस पे। फ्री कैश फ्लो सबसे अच्छा और आरओई सबसे अच्छा क्या होगा पता है?
उधार में खरीदो, कैश में बेचो। फॉर एग्जाम्पल आपके शहर में, गांव में, कस्बा में, डिस्ट्रिक्ट में, कहीं पे भी एक कोई होगा आदमी जो कचौड़ी सब्जी बेचता है जलेबी के साथ सुबह सुबह, और मॉर्निंग वॉक करके डेढ़ घंटा आदमी पैदल चल के आते हैं अंकल जी, और वहां खड़े होकर कचौड़ी सब्जी जलेबी खाते हैं। तो अंकल जी का तो मॉर्निंग वॉक बर्बाद हो गया, घर पे जो झाड़ पड़ेगी सो अलग, लेकिन इसका काम कितना बढ़िया है। ये महाजन के यहाँ से सामान लाता है, उसको चुकाएगा एक महीना बाद, ठीक है, एक महीना बाद पैसा देगा। अंकल जी को जहां कचौड़ी सब्जी जलेबी खिलाया, अंकल जी से पैसा कैश में लेगा अप फ्रंट, कैश लिया पहले, तो इसका साइकिल ही बदल गया है, उधार में खरीद रहा है, कैश में बेच रहा है। जबकि हम लोग को बचपन से सिखाया गया है उधार मत रखो, उधार चुका दो, लेकिन बिजनेस अच्छा वही करेगा जो उधार में खरीदेगा और कैश में बेचेगा। तो आपके बिजनेस में क्या आप उधार में खरीदते हैं और कैश में बेचते हैं? अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, अगर आप कैश में खरीद के उधार में बेचते हैं तो बहुत दुखद स्थिति है। मेरे को लगता है ये ऑफ द टॉपिक है, लेकिन मुझे पता है काफी लोग आप लोगों में से बिजनेस करते होंगे, अगर आपका बिजनेस मॉडल कैश में खरीदना और उधार में बेचना है तो ग्रोथ बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हर नया माल बेचने के लिए आपको पहले कैश में खरीदना है, कैश लाइए, रुपया लाइए, रोकड़ा लाइए, और किसी को उधार में बेचिए और इंतजार करिए तीन महीना, और उधार में बेचने वाले का ही तो डूबत होता है रुपया, अगर आपने कैश में बेचा तो डूबेगा कैसे पैसा। तो ये एंगल से अगर हम देखें तो वर्किंग कैपिटल लिमिट जो होता है, वर्किंग कैपिटल जो होता है उसको उल्टा करना चाहिए, नेगेटिव करना चाहिए, जबकि हर फाइनेंस की किताब में लिखा है वर्किंग कैपिटल रेशियो शुड बी 2:1। नहीं, उधार में खरीदो कैश में बेचो, उधार में खरीद के कैश में बेचते ही गेम चेंज हो जाता है। अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर और क्या करते हैं आप, सारा देखिए यही काम होता है, लेकिन इन लोग की कंपनियों में फ्री कैश फ्लो अगर आप देखेंगे तो बहुत होता है, फिर भी ये पैसा टान के देते हैं, दबा के देंगे, दो महीना बाद देंगे, एक महीना बाद देंगे। लेकिन निफ्टी 50 कंपनीज में जो हम इतनी कंपनियां डिस्कस कर रहे हैं, जो हाई आरओई हाई ग्रोथ कंपनीज है वो हमने कर लिया, हाई डिविडेंड यील्ड विद नो ग्रोथ हमने कर लिया, उसमें रिटर्न बना नहीं, कौन सी वाली थी वो, कोल इंडिया, एनटीपीसी और ये अपने पावर ग्रिड, बीपीसीएल, ये सब टाइप कंपनी। अच्छा, फिर हमने बोला कि फ्री कैश फ्लो विथ नो ग्रोथ, उसमें भी पैसा नहीं बना, कैसे नहीं? अच्छा, आप बोलेंगे फ्री कैश फ्लो और डिविडेंड यील्ड, आप देखेंगे दोनों सेम ही होता है, क्योंकि जो जिसके पास कैश फ्लो फ्री होगा वही तो डिविडेंड देगा ना, जो पैसा बचाएगा वही तो घर ला के देगा। तो फ्री कैश फ्लो और डिविडेंड यील्ड वाली कंपनियां ऑलमोस्ट सेम होती है, जैसे आप एनटीपीसी ले लीजिए, कोल इंडिया ले लीजिए, ऑलमोस्ट सब सेम दिखेगा आपको, क्योंकि वो आगे केपेक्स में लगा ही नहीं रहे। एक खास कंपनियां हैं इंडिया में जो साल पे साल 15-16-17% भर्ती रह रही है और अगले 10 साल तक भर्ती रहेगी, वो है प्राइवेट बैंक। तो प्राइवेट बैंक क्या होता है, वो पब्लिक बैंक से मार्केट शेयर खाती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आज से 25 साल पहले जब हम लोग का अकाउंट होता था, हम लोग चले आते थे, भाई इसको थोड़ा पासबुक अप टू डेट कर दीजिए, 2 बजे के बाद आइएगा। क्यों भाई 2 बजे के बाद क्यों आना है? क्योंकि वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो कुछ दिन तक, तो कुछ सालों तक तो लोगों ने सुना, बिकॉज उनके पास ऑप्शन नहीं था। जहां पे अगल बगल ICICI, HDFC और ये सब स्टार्ट हुआ, लोगों ने बोला 2 बजे के बाद छोड़ो ना, हम आएंगे ही नहीं आपके, हम सीधा चले जाएंगे उधर ही। तो क्या हुआ, ICICI, HDFC, Axis, Kotak Bank, ये 4 और इंडसइंड, ये 5 मेन बैंक मार्केट शेयर पूरा खा रही है, पूरा मार्केट शेयर खा रही है। किससे खा रही है? पूरे इंडिया के PSU बैंक से ये मार्केट शेयर ले रही है। तो अगर ये मार्केट शेयर लेती है इंडिया के PSU बैंक से, तो आप देखेंगे इन लोग को एडवांटेज क्या है। इन लोग को एडवांटेज ये मिलता है कि हर साल चाहे मार्केट बढ़े या नहीं बढ़े, इनका ग्रोथ है। अब बैंकिंग में क्या ग्रोथ होगा सोचिए जरा 2 सेकंड के लिए, बैंकिंग का ग्रोथ, इंडिया बढ़ रहा है कितने परसेंट पे? इंडिया बढ़ रहा है सपोज 6% पे, 5% पे, 5% पे, और इन्फ्लेशन है सेम थ्योरी 6-7%, 5 और 6 हो गया 11-12। काफी पार्ट है इंडिया का जो बैंकिंग में आया ही नहीं है। जैसे गांव में अभी भी महाजन से पैसा लाता है, वो सूत जिस पे लाते हैं जिसको आप लोग कहते हो, वो जो पैसा आता है वो आता है 36%, मतलब 3 रुपया सैकड़ा पे ब्याज पे, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे 36% साल का, 36% एनुअल इंटरेस्ट पे पैसा आता है, 48%, 72%, मतलब 72% पे पैसा लेना, वो जब तक होता था जब तक महाजन से, बिल्कुल महाजन को पैसा भी निकालना आता है, वो आपके घर भिजवा देगा, गुंडा भेज देगा, आदमी कर लेगा, आपका खेत अपने नाम रख लेगा, लेकिन बैंकों को ये सब आता नहीं था। और बैंक कर लेंगे तो हो जाएगा पॉलिटिकल ड्रामा, पार्लियामेंट में बात उठ जाएगी, असेंबली में बात उठ जाएगी। तो इसीलिए अगर हम देखेंगे तो इंडिया में
बैंकिंग जो है वो अंडर पेनिट्रेटेड है हम बोलते हैं, बिकॉज इंडिया का इतना बड़ा हिस्सा है जो अभी तक बैंकिंग में आया ही नहीं है. तो वो सारे हिस्से को अगर हम बैंकिंग में लाए तो कितना ग्रोथ होगा? तो 6% और 5 इन्फ्लेशन और ये मिला के हो गया 11. अगर मैं सोचूं कि हर साल 3-5% अंडर पेनिट्रेशन टू ओवर पेनिट्रेशन हो रहा है तो हो गया 14-15. फिर बैंकिंग का ग्रोथ अलग है. मेरी इनकम आज मेरी सैलरी है 25,000 रुपया महीना, मेरे को कोई लोन नहीं देगा क्योंकि मैं लोन लेके चुकाऊंगा कहां से. अगर मेरी सैलरी 2,00,000 रुपये महीना हो गई तो मुझे लोन देने आ जाते हैं लोग. तो इंडिया का पर कैपिटा जैसे ही बढ़ेगा आप देखेंगे लोग ज्यादा लोन देने आ जाएंगे इंडिया में लोगों को. तो ये एंगल से बैंकिंग जो एक चैनल है और बैंकिंग एज एन इंडस्ट्री बढ़ती है 15-16% पे हर साल. और पीएसयू मार्केट शेयर छोड़ रही है, प्राइवेट वाले मार्केट शेयर ले रहे हैं. खराब साल में कम बढ़ेगी, बढ़िया साल में अच्छा बढ़ेगी. तो आप 4 शेयर जो निफ्टी से आप देखेंगे निफ्टी 50 में, HDFC बैंक, कोटक बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक और इंडसइंड भी जोड़ लो, तो ये जो है मार्केट शेयर बढ़िया है. ये 12-15% हर साल बढ़ते ही रहते हैं. फाइनली अगर हम एक निष्कर्ष निकालें कि करना क्या है भाई, इतनी तो कहानी हो गई, ले क्या, ऐसा लेना है कि निफ्टी में से आपको आपको सिक्लिकल कंपनी हटा देनी है. सिक्लिकल भी टाटा स्टील, हिंडालको, लेकिन हिंडालको और टाटा स्टील ने भी अच्छा रिटर्न दिया है क्योंकि हिंडालको कन्वर्टर है. हिंडालको लगता है कि वो मेटल का काम करता है लेकिन वो फिक्स प्राइस पे काम करता है. इतने में सामान लेंगे, इसको इतना बना देंगे और इतना उसको बेच देंगे. तो नेट नेट हिंडालको अपने ऊपर कोई टेंशन नहीं लेता है कि कल एल्युमिनियम का दाम घटे या बढ़े तो हमको क्या करना है. और JSW तो मुझे लगता है कंज्यूमर कंपनी की तरह है जबकि बनाता स्टील है, क्योंकि वो 90,000 रुपए किलो वाला स्टील बनाता है जबकि स्टील अथॉरिटी और बनाते हैं 45-50,000 रुपए वाला स्टील. फाइनली निफ्टी का एक सेगमेंट है छोटा सा, छोटा नहीं अब तो काफी बड़ा है, शांत रहता है अब तो, पहले बहुत उछल कूद करते थे, वो इंफोसिस, TCS, HCL टेक, ये जो भी IT मेजर्स. यहाँ क्या है, फ्री कैश फ्लो है, आदमी काम पे लगाओ, काम करो, बाहर भेजो और डॉलर हर साल अपने आप ही बढ़ रहा है, आपको पैसा अपने आप आ रहा है. तो इंफोसिस, TCS और ये सब सारी जो कंपनियां हैं, इन सब कंपनियों को अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली साल का 12-14% रिटर्न दे देती है. कैसे देती है? क्योंकि कुछ तो ग्रोथ है, कुछ डॉलर है और इनको पैसा कुछ लगता नहीं है, तो हर साल ये बाय बैक करते हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाता है. नंबर ऑफ शेयर्स कम होता है तो क्या बढ़ता है? EPS. EPS क्यों बढ़ता है? क्योंकि EPS हमने किया था नेट प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ शेयर्स. अगर डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ शेयर्स उसको आप कम कर देंगे तो EPS आपका अपने आप बढ़ जाएगा. तो इस एंगल से अगर आप देखेंगे तो ये इंफोसिस, TCS, विप्रो और HCL टेक टाइप जो भारी भड़कम कंपनी है, एक दो साल नहीं चले लेकिन फाइनली ये चलती है बिकॉज ये रिस्क लेती नहीं है. ये अमेरिकन इनोवेटर्स की तरह नहीं है कि इनको काम करना है और बैठ के नया नया प्रोडक्ट लेना है और रिस्क लेना है. काम वहां होता है और ये लोग पैसा यहाँ बनाते हैं बिकॉज ये लोग उनको एक्चुअली जा कर सारा हेल्प करते हैं काम करने में. तो इस एंगल से हम देखेंगे तो इंफोसिस, विप्रो, TCS भी है, ये बहुत ज्यादा हिसाब से आप देखेंगे तो ये रिटर्न बनाती है. अब इतने जन क्वेश्चन डाल रहे हैं भाई, इतना क्वेश्चन मैं कैसे लूंगा. चलो ठीक है, देखते हैं एनीवे क्वेश्चन लेने का. तो चलो क्वेश्चन लेते हैं आपने फिर, तो ब्रॉडली स्टार्ट करते हैं. रंजीत कुमार कह रहे हैं एवरी वीक 12,000 इन्वेस्ट करके 2025 तक 50,00,000 चाहिए, अभी 15,00,000 है, कैसे बनेगा, कुछ आइडिया दें. देखो 12,000 अगर आप हफ्ते का डालोगे तो महीने का आप डालोगे 50,000 रुपया, तो साल का आप डाल रहे हो 50,000 × 12, 6,00,000 रुपया, 6,00,000 × 4 हो सकता है यार, 6,00,000 × 3 18,00,000, आपके पास 15 ऑलरेडी है, रो पिट के आप पहुंच गए 30,00,000 पे. अच्छा एक बात बताइए, 2025 में नहीं बजे, 2027 में बन जाए तो कोई प्रॉब्लम है? 2026 में बन जाए तो क्या प्रॉब्लम है? कई बार क्या होता है, हम एक टारगेट सेट करते हैं 2025 तक पैसा बनना चाहिए और नहीं बना तो फिर वो प्रॉब्लम होती है हमको. हमको एक्चुअली ये देखना चाहिए कि हमारा पैसा एक लेवल तक बन जाए वो ठीक है. अगर वो पैसा उस लेवल तक नहीं बन रहा है तो एक साल बाद बनेगा, दो साल बाद बनेगा, उससे प्रॉब्लम क्या है? तो इतना टेंशन नहीं ले, लेकिन नॉर्मली मेरे हिसाब से ये पैसा 2025 बहुत अग्रेसिव नंबर है. मुझे नहीं लगता है कि ये बन सकता है, बट ठीक है, आपको स्मॉल कैप मिड कैप में लेना चाहिए, वो अपने आप करना मुश्किल है, वो नहीं करना चाहिए आपको बिकॉज उसमें अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर मुश्किल हो जाती है चीजों में. एनीवे सुनीता सिंह कह रही हैं
गुड मॉर्निंग सर जी, प्लीज सजेस्ट फॉर स्मॉल पोर्टफोलियो विच 2-3 lakhs कैन बी फॉर हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न्स एंड 3 lakhs फॉर मीडियम रिस्क एंड मीडियम रिटर्न्स फॉर अ पीरियड ऑफ 3-4 years. देखिए हम सोच रहे हैशटैग नो दुकानदारी करें, लेकिन मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न के लिए आप निफ्टी टॉप 200 बीएम वाला जो हमारा स्मॉल केस है अभी भी लॉन्च हुआ है, आप देख सकती हैं, लगाए नहीं लगाए आपके ऊपर है. बिकॉज मुझे बोलने में भी थोड़ा अजीब लगता है कि आप देख लो उसमें पैसे डाल दो, बहुत लो कॉस्ट है उसमें, शायद 3,000 रुपया आपका लगेगा. 31 मार्च तक हमने रेट रखा है, उसके बाद हम रेट बढ़ा देंगे बिकॉज हम नहीं चाहते ज्यादा जन आए इसमें. और हाई रिस्क हाई रिटर्न के लिए बाकी आप हमारे स्मॉल कैप लो या नहीं लो मैं कैसे आपको बोलूं, बट आपको स्टॉक वाइज जाना होगा. बट ये निफ्टी वाला जो है इसमें मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न के लिए आप लगा सकते हो. और 3 लाख अगर आप लगाओगे और साल का आपका लगाकर 6,000 तो 2% आप और ऐड करते जाओ, हर महीने ऐड कर दो, हर 15 दिन पे ऐड कर दो. देखो इसका निफ्टी टॉप 200 जो बीएम हमने निकाला टॉप 20, इसका लॉजिक ये था कि कोई भी हमारे पास आए और बोले हमको पैसा डालना है. जैसे हमने कई बार क्वेश्चन देखा कि घर पे बहुत लोग बोलते हैं अरे पैसा डाल रहे हो शेयर बाजार में डूब जाएगा, ये हो जाएगा. तो ये सब 20 कंपनियां नहीं डूबेगी, आप एक ले लोगे कुछ वहां डूब जाओगे, बट इंडिया की टॉप 20 कंपनीज नहीं डूबेगी. अगर डूब गई तो फिर बहुत प्रॉब्लम है इंडिया में. तो देख सकते हैं. मृत्युंजय शर्मा सर, व्हाट इज लॉन्ग टर्म व्यू ऑफ टाइटन फॉर नेक्स्ट 20 इयर्स, कैन इट गिव 15% कंपाउंडिंग फॉर नेक्स्ट 20 इयर्स? देखो टाइटन 15% फॉर नेक्स्ट 20 इयर्स तो कर सकता है, राइट. लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपको अगले 3-4 साल वो अगर होल्ड कर दिया, फॉर एग्जाम्पल हम जैसे देखते हैं एशियन पेंट, नेस्ले, पिडिलाइट, ये भाव में कहां 3-4-5 साल फंस जाएंगे ना आपको पता ही नहीं चलेगा. मतलब ये जिसको हम लोग हिंदी में शायद भावसागर कहते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं वर्लपूल, ये एक बार आप इसके अंदर अटक गए तो आप निकल नहीं पाओगे इसके अंदर से. तो वो एंगल है ये सब कंपनियों में. उदित जोशी कह रहे हैं सर आई 3 लाख टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म अराउंड 20+ years, हाउ मच कैगर शुड आई एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस 3-1 lakh 3 lakh? डीमार्ट, टेस्ला, बजाज फाइनेंस, IDFC, कोटक, ये अच्छा है यार. बट इसमें चक्कर ये है कि 3 लाख अगर आप लगा रहे हो 20, देखो एक तो 20+ years और 10+ years ये सब वाली नहीं बोलनी चाहिए. मार्केट बहुत डायनेमिक है, बहुत जल्दी और बहुत क्विकली चेंज होता है. तो जिसको हम 20 साल 10 साल सोचते हैं वो 10 साल 20 साल निकलता नहीं है. और अगर आप इतने दिन का पैसा डाल रहे हो तो आप इस ढंग से नहीं करके डालो कि आपने बस डाल दिया और उसको छोड़ दिया. तो मुझे लगता है थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर लो. बट ये सब स्टॉक्स अच्छे हैं, आई कैन टेल यू, अगर आप 20 साल रख दोगे ना तो ये हो सकता है उसमें से एक दो अंडर परफॉर्म करे, कोई चले ही नहीं, लेकिन जो चलेगा ना वो आपको दिस साइड टू डैट साइड कर देगा. सब अच्छी कंपनियां हैं, रिकमेंडेशन नहीं है, थर्ड टाइम बोल रहा हूँ. किशोर मेहता सर गुड मॉर्निंग, प्लीज डिस्कस इजी ट्रिप एंड IDFC फर्स्ट बैंक फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स. इजी ट्रिप हमने किया था, मुझे तो अच्छा लगता है फाइनेंशियली फंडामेंटली, बट अब लेंगे नहीं बिकॉज उसका लॉन्जिविटी उस बिजनेस का मुझे पता नहीं क्या है, क्योंकि वो टिकटिंग करते हैं, ये करते हैं. और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिजनेस में बहुत जल्दी आपका क्या होता है, आपका जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है, डोमेन कंट्रोल होता है, वो निकल जाता है बहुत जल्दी. तो इजी ट्रिप से मुझे वो प्रॉब्लम नजर आती है, बट अदरवाइज अच्छी है. और संजय अग्रवाल कहते हैं सर आपने 30-35 CAGR का रिटर्न लिए पिछले 10 साल में, इस पे आप लक फैक्टर गॉड ब्लेसिंग कितना मानते हो? 40% CAGR से आप ग्रो कर सकते हो क्या, गौर करोगे क्या एज यू हैव मोर एक्सपीरियंस? नहीं, 40% CAGR से ग्रो करना बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है अब इंडिया में ग्रो करने की 40% की. तो पहले थी कोई जमाने में कि आप ग्रो कर सकते थे, कंपनियां आती थी जाती थी, आप इन्वेस्ट कर सकते थे. बट अगर आप मेरा मानोगे तो गॉड ब्लेसिंग तो मुझे पता नहीं और लक का मुझे पता नहीं, बट मुझे ये पता है कि मैंने रिस्क बहुत लिया लाइफ में. मेरे जितना रिस्क कोई लेता नहीं है, कोई ले नहीं सकता है. और हम वैसे नहीं है ना कि फंड मैनेजर शुरू से थे ही नहीं, हम तो खुद अपना ही पैसा लगाते थे और रिस्क लिया, लोगों को कन्विंस भी किया कि तुम भी रिस्क लो, क्या है इसमें यार, मौत थोड़ी है. एक मैंने कहीं पढ़ा था, सुनने वाली बात है ये, इसको हिंदी में मैं कैसे समझाऊं मुझे पता नहीं. बोलते हैं कि शेयर बाजार गिरना ऐसा नहीं है कि हवाई जहाज से गिर रहे हैं. हवाई जहाज से गिर रहे हैं तो आपको लगता है कि अरे मैं नीचे जमीन पे गिरूंगा, मेरे पांव टूट जाएंगे, मेरा घर, मैं मर जाऊंगा, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मेरे घर वाले पीछे अकेले कैसे रहेंगे. शेयर बाजार ऐसा नहीं है, शेयर बाजार में हर साल मौत आती है और हर साल जिंदगी निकलती है. तो शेयर बाजार अब तो मैं समझ गया, थोड़ा सा टिके रहेंगे तो पैसा बन जाएगा. लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे लगता है फैक्टर ऑफ एक्टिविटीज, अगर मैं इन्वेस्ट करना शुरू कर रहा हूँ उससे मुझे पैंटालून कंपनी आती ही नहीं,
पेज इंडस्ट्रीज लिस्टेड ही नहीं होती, गिनो मत, सोचते हैं मुझे लिस्ट नहीं कराना है इंडिया में, तो आप क्या करते हैं? तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता ना, हम तो पेज ले नहीं पाते, पैसा तो वैसे ही बना हमारा। श्रीकांत राय कर रहे हैं, आई हैव इन्वेस्टेड 1 lakh ईच इन 11 स्मॉल केस बट इवन आफ्टर मोर देन 1.5 ईयर देयर एब्सोल्युटली नो ग्रोथ इन द पोर्टफोलियो, काइंडली सजेस्ट करेक्टिव ऑप्शन। श्रीकांत, आप 1-1 lakh रुपया इतने स्मॉल केस में डाले हो तो मुझे लग रहा है आप सिर्फ वो छोटे फीस वाले स्मॉल केस में डाले हो, 300-400-500 रुपया लेकर जो आपका पैसा लेते हैं आप, मतलब दुकानदारी नहीं करना चाहेंगे, बट हमारा 2 एग्जिस्टिंग स्मॉल केस है अभी फोकस। अब आप बोलेंगे बार बार आप बोलते हो दुकानदारी नहीं करना चाहेंगे, फिर वो बात बोल देते हो, वो डिस्क्लेमर की तरह आता है कि मतलब कंपल्शन नहीं है आपको पैसा डालना, आप सोचे आपको डालना है डालो, नहीं डालना है इट्स ओके, हमारा यूट्यूब का ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही हम इवेंट करते रहेंगे। और यहाँ तो इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, कैसे क्या करें भाई, एक बार रुक जाओ आप लोग, उसके बाद ये करते फिर देख लेंगे वो सब। सो ये कह रहे हैं कि 1 lakh आपने 11-11 में डाल दिया, इसको कोई सेंस ही नहीं है। आपको मैं बोलूंगा कि आप सॉलिड कंपनियां लें, आप हमारा जो 2 एग्जिस्टिंग स्मॉल केस है हम अंडरलाइंग बेंचमार्क से ऊपर कर रहे हैं, बीट कर रहे हैं, और क्योंकि ये पब्लिक मनी है। देखिए मुझे पता था अगर मैं एक स्मॉल केस माइक्रो कैप नाम से लॉन्च करता ना, ये अपना ये वाला निफ्टी बीएम निफ्टी टॉप 20, तो इसमें 10 गुना ज्यादा इंटरेस्ट आता। लेकिन मुझे ऐसा एक प्रोडक्ट चाहिए था जिससे किसी को रिस्क नहीं जाए, किसी के घर में कोई बात नहीं हो गया, तुमने शेयर बाजार में पैसा डाल दिया, तो इसीलिए मैं सोचा था कि इसको इस ढंग से करें। तो निफ्टी टॉप 20 आप देखें डालें, लेकिन 1 lakh रुपए डालोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। मैं बोलूंगा क्यों फायदा नहीं होगा, 3,000 आप 6 महीने का हमको दोगे, 3-3-6 जीएसटी और जोड़ दो 7, कम से कम 3-4 lakh रुपए डालो तो आप देखो। बाद में ये है ना, 1 lakh रुपए डाल के अगर 10 गुना भी हो गया, 10 गुना इजी नहीं है, 10 गुना भी हो गया तो 10 ही लाख बने। अगर 5 lakh रुपए डाला और 10 गुना हुआ तो 50 लाख बनते हैं। आप डालो और पैसे को छोड़ दो 10 साल तक, मतलब ये निफ्टी टॉप 20 में तो चैलेंज होगा पैसा लूज करना अगर आप 5 साल छोड़ दिए तो, ये मैं बोल सकता हूँ। बाकी किसी चीज का मैं अपने पोर्टफोलियो का नहीं बोल सकता, बिकॉज अब वो है कि मेरा पोर्टफोलियो में रिस्क बहुत है, मैं रिस्क बहुत लेता हूँ, मुझे लगता है कि रिस्क लेकर हम चल सकते हैं, क्योंकि आप रिस्क लिए आप आगे बढ़े, आप फिर रिस्क लो फिर आगे बढ़ो, लाइफ इज अबाउट टेकिंग रिस्क, उसमें क्या हो गया, तो उस एंगल से सोचना चाहिए। नीरज नेगी, सर प्लीज आई एम गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नाइस टू सी, वॉन्ट टू इन्वेस्ट 30,000 पर मंथ, सर एफले इंडिया प्रिंस पाइप SBI कार्ड हैप्पीएस्ट माइंड रसोरी बायोटेक टाटा कंज्यूमर। सर मुझे मोटा मोटी इन सब में कंपनियों में इतना आइडिया नहीं होएगा, SBI कार्ड का टाइम पीछे चला गया, हमने उसको डिस्कस भी किया था, मैं बोलूंगा क्यों। पहले तो SBI कार्ड अकेला लोन करता था, RBI ने उधर उसको स्ट्रिक्ट करके पकड़ लिया, ठीक है। तो उसके बाद आपने देखा कि SBI लाइफ को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्रेडिट कार्ड में उनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग नहीं बढ़ पा रहा है, और आप देखें कुछ स्टॉक कर नहीं पा रहा है, तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग घट नहीं रहा है, तो वो कॉस्ट और वो लेंडिंग के लिए कॉम्पिटिशन बहुत आ गया है, तो वो हिसाब से मुझे लगता है तो ये सब स्टॉक्स में प्रॉब्लम है एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो। बट आप 30,000 पर मंथ में आप एक मोटा बढ़िया कंपनी लेना, बजाज फाइनेंस टाइप कंपनी ले, हर साल 30,000, हर महीना 30,000 डालते रहे आप। अल्ट्राटेक तो उतना शायद रिटर्न नहीं देगा, 14-15% ही देगा मेरे हिसाब से, बट बजाज फाइनेंस, कोई बैंक, कोई कोटेक, कोई ऐसा टाइप कंपनी लोगे तो अच्छा है। हाउ मार्केट कैप कैन अफेक्ट स्टॉक, शशांक पाटिल पूछ रहे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाउ मार्केट कैप कैन अफेक्ट स्टॉक, तो ये क्वेश्चन इतना बढ़िया है कि देखो अगर मार्केट कैप पूछा होता है ना स्टॉक में, तो आप देखेंगे कि स्टॉक में रिटर्न बनना मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल आप रिलायंस अगर देखेंगे तो रिलायंस का मार्केट कैप बहुत ऊंचा है अभी फॉर दिस मोमेंट, लेकिन उस पर रिटर्न जो है रिलायंस का यहां से बनाना बहुत मुश्किल है। वैसे हमने निफ्टी फिफ्टी की बात इतनी की, हमने अडानी को कैसे छोड़ दिया मुझे भी याद नहीं है, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो अडानी के स्टॉक्स को किस में क्वालिफाई करेंगे, हाई ग्रोथ एंड लो आरओई, और जब हाई ग्रोथ एंड लो आरओई होता है ना तो ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं होता है। 2003 टू 2008 में सारे इंफ्रा कंपनीज थे हमारे हाई ग्रोथ एंड लो आरओई, आप देखिए हालत क्या हुई उनकी, उनको अगर फ्रेश फंडिंग नहीं मिलती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस ये हमने एक पॉइंट मिस कर दिया था, तो इसी एंगल से आप देखेंगे कि अगर आप हाई ग्रोथ एंड लो आरओई में फंस गए तो वो कंपनी आगे पीछे घूमकर मुश्किल होता है। हाई ग्रोथ एंड लो आरओई क्या हुआ, जो 20 लाख रुपया लेकर काम शुरू किया था, ऑफ ऑफ ट्रैक जा रहे हैं, बिकॉज मेरे दिमाग में वो बात आ गई थी,
जो 20 लाख रुपया लेकर गांव के कोने में एक मोदी खाने की दुकान खोला था, 5 लाख रुपया हर महीना कमाता था, अगले दिन वो घर में आके बोलता हम एक और दुकान डाल रहे हैं। घर वाले बोले क्यों भाई, क्यों डाल रहे हो दुकान? नहीं, एक और दुकान डालेंगे। कहाँ डालेंगे? अगले गाँव में। क्यों भाई, क्यों डालोगे? नहीं नहीं, वहां पे बहुत डिमांड है, हम सुने हैं। अरे भाई, इस डिमांड है सुने हो, तुम तो कमा 5 ही लाख रहे हो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, 15 लाख रुपया ससुर जी से ले लेंगे। ससुर जी फोन ही नहीं उठा रहे उनका, फिर क्या करेंगे? वो कहीं और से लाएंगे पैसा, इधर से लाएंगे उधर से लाएंगे। तो जब आपका खुद का बिजनेस का ग्रोथ नहीं होता है, आप इधर उधर से पैसा बटोर के लाते हो और ग्रोथ ज्यादा करते हो, तो आपकी प्रॉब्लम होती है फंडिंग मिसमैच की। क्योंकि अगर आपको कैपिटल नहीं मिला, अगर पैसा नहीं आया, तो आपकी होती है फंडिंग मिसमैच। तो ये एंगल से आप देखेंगे तो आपको कंपनी ऐसा चाहिए जो हर वक्त रिटर्न ऑन एक्विटी जो है वो ग्रोथ से ज्यादा हो। अगर रिटर्न ऑन एक्विटी 30% है और ग्रोथ 20% है, तो आपको नजर आएगा कि वो कंपनी मैनेजेबल है। और रिटर्न ऑन एक्विटी 30% और ग्रोथ कर लिया 60%, तब तो आपको भाई फोन करना ही पड़ेगा ससुर जी को, क्या बोलेंगे अब उसमें। देखिए, करण गुइडानी जी बोल रहे हैं, हेलो सर, नमस्ते, डिस्क्लेमर, विल नॉट टेक दिस ऑन योर रिकमेंडेशन, थैंक यू सो मच, प्लीज सजेस्ट टू कंपनीज फ्रॉम बिलो सेक्टर। चलो भाई, आईटी टू कंपनीज, देखो मुझे आप पकड़ोगे ही नहीं, कभी जिंदगी में नहीं पकड़ोगे। आईटी में दो कंपनी आपको बोलता था, इंफोसिस टीसीएस ले लो, 12-13% रिटर्न मिल जाएगा। कंज्यूमर बैंक में आप अगर मुझे बोलोगे तो रिटर्न अभी इमीडिएट है नहीं मिले, लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूंगा, मैं ऐसी कंपनियां बोल रहा हूँ कि अगर आप मुझे कहीं चौराहे पे, सड़क पे, कहीं रेलवे स्टेशन पे, कहीं पानी के टैंक के पीछे या कहीं चाय के दुकान के आगे मिल गए, तो आप मुझे पकड़ोगे नहीं कि आपने क्या दिलाया था। तो अगर आप देखेंगे तो कंज्यूमर में एक आप एक डीमार्ट ले सकते हैं, और दूसरा कंज्यूमर अगर आपको स्टॉक लेना है तो डीमार्ट के साथ आप मे बी आप नेस्ले ले लें, बट मुझे लगता है नेस्ले अभी थोड़ा कम चलेगा, पर डीमार्ट अच्छा है मेरे हिसाब से। आईटी कंज्यूमर हो गया। बैंक फाइनेंस में तो कोटक बैंक एवरग्रीन है, 1.5 साल से चला नहीं है, मुझे लगता है चल सकता है, अच्छा स्टॉक है। और कोटक के साथ एक्सिस में नहीं बोलूंगा मैं, आईसीआईसीआई आपको बोलूंगा। मोटर मुझे पता नहीं। फार्मा में सिप्ला मुझे अच्छा लगता है। सिप्ला इसलिए अच्छा लगता है, देखो मैं लार्ज कैप इसलिए बोल रहा हूँ कि कल को कोई गड़बड़ हो जाए और मैं आपके साथ डिस्कशन नहीं कर पाऊं तो फिर क्या हो। तो इसीलिए मैं आपको ऑप्शंस लार्ज कैप का दे रहा हूँ। सिप्ला पे अभी प्रॉब्लम आई है, बट वो प्रॉब्लम के बाद भी आपके हिसाब से ये कंपनी लॉन्ग रन में अच्छा रिटर्न बनाएगी, तो वो हिसाब से देखना चाहिए। एक और क्वेश्चन है चिराग संचेती का, आई इन्वेस्ट मोस्टली इन म्यूचुअल फंड एंड स्मॉल केस, वन क्वेश्चन, यू ऑलवेज से दैट आइडियल पोर्टफोलियो शुड बी ऑफ 5 companies, बिल्कुल फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ, बट व्हेन आई सी पोर्टफोलियो फॉर एनी म्यूचुअल फंड जनरली हैव मोर देन 20 stocks। देखो 20 तो हम रखते ही नहीं है, हमने निफ्टी टॉप 20 इसलिए बनाया बिकॉज इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो घर में काम करने वाली हाउसवाइफ है, जो रिटायर्ड सीनियर सिटीजन है, जो शेयर बाजार से कॉन्टैक्ट नहीं रखते हैं दिन भर का, जो एक डॉक्टर है, जो कोई और इस ढंग के लोग है, तो इन लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो अगर आपका मार्केट गिर जाए तो, इनका रुपया हर वक्त सेफ हो। तो आपको इन लोगों के हिसाब से पैसा अगर सोचना होगा तो लगाना होगा, बिकॉज अगर आप नॉर्मली पैसा लगाओगे कोई भी एंगल से, तो आप सपोज मुझे फॉर एग्जांपल आप बोलेंगे मुझे इंडसइंड बैंक अच्छा लगता है, हमने नहीं लिया लेकिन अच्छा लगता है, एज ए कंपनी इज गुड, लेकिन इंडसइंड बैंक में कब गड़बड़ होगा, कब मैं आपको बताऊंगा, कब मैं आपसे कॉन्टैक्ट कर पाऊंगा, वो एक बहुत डिस्कनेक्ट है, तो मैं उसको नहीं सजेस्ट करता। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि 20 कंपनी से लेने से तो अच्छा आप निफ्टी ले लो। तभी हमने 20 जो निकाला है ना, हमने निफ्टी 50 में से 20 निकाला है। अगर मैं कहीं और से 20 निकाल के लाता ना, तो आप बोल देते सर आप छोड़ो मैं निफ्टी 50 ETF ले लूंगा, लेकिन आप मेरे 20 जो है ना निफ्टी टॉप 20 इसको आप काट कर निफ्टी ETF लोगे तो आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो ना, क्योंकि हमने वो 50 में से काट के ये 20 लाए हैं। तो वो ऑब्जेक्टिव था, जो निफ्टी ETF जो लेते हैं लोग उनका रिटर्न थोड़ा और बन सकता है क्या। अच्छा कोई बोला मैं 1 लाख रुपया डालूंगा तो 6,000 रुपया का आपको फीस बन जाएगा तो मेरे क्या बचेगा, GST में 2 सेकंड के लिए साइड कर रहा हूँ, तो 1 लाख रुपये के लिए ये नहीं है, मत डालना 1 लाख रुपये, आपके 1 लाख रुपये बेकार हो जाएंगे। आप 6,000 रुपये फीस देकर कोई 1 लाख रुपये लगाता है क्या, जिंदगी में पैसा नहीं बना पाओगे आप कम से कम 4-5 लाख रुपये डालो तो फिर मजा भी आएगा, आपको भी आएगा। आप 25 लाख डालोगे तो बहुत मजा है, 25 लाख में 6,000 रुपये फीस दो, उसमें तो कितना 0.3% फीस नहीं हुआ। आप 50 लाख डाल दो तो 0.1% फीस, 0.07% फीस में आपका काम हो गया, 0.15 में rather, not 0.07। तो उस एंगल से अपने को देखना है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने लेते हैं। सुब्रमण्यम,
Sir, in your Nifty 20, how are you giving weightage? Is it market cap? No, we don't have Reliance in Nifty 20. So, Mr. Subramaniam, आप मजे के बाद देखो, हमने रिलायंस नहीं लिया है बिकॉज हमको लगता नहीं रिलायंस का ईपीएस ग्रोथ आएगा 15%. नहीं लगता है. देखेंगे टाइम से पता चलेगा ईपीएस ग्रोथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो उस एंगल से हमने इसीलिए इसमें लिया है. थैंक्स टेस्ला 10x. ये कौन है भाई, इन्होंने से मुंह बना दिया. चलो भाई टेस्ला 10x होगा तो नथिंग लाइक इट. फिर तो अपने वन ऑन वन मिलकर करेंगे. आप कहां से हो मुझे पता नहीं. सिदेश दिवाकर, सर टेस्ला 10x 2030 तक होगा या नहीं? मतलब ये तो इधर और कर दिया. अच्छा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? देखो वही वाली बात है, 2030 में नहीं होगा 2032 में होगा. नहीं होगा क्या करें हम. नहीं हुआ. हर चीज लाइफ में राइट थोड़ी होती है. आप ये फर्स्ट रॉन्ग डिसीजन थोड़ी होगा जिंदगी का अगर टेस्ला 2030 तक 10 गुना नहीं हुआ तो. और मैं आपको पहले भी बोला था, मैं वो दुकानदारी नहीं करूंगा कि अब काफी लोगों ने मुझे बोला कि हम कौन से प्लेटफॉर्म से टेस्ला का शेयर खरीदें, क्या करें नहीं करें. अच्छा मैं बोलेगा रुक जाओ अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो वाले प्लेटफॉर्म से खरीदो और फलाने ने इस प्रोग्राम को ये किया है और वो जो कि आप जहां लिंक वहां पे करेंगे आप एक अकाउंट खोलेंगे मुझे 250 रुपए मेरे अकाउंट में मिल जाएंगे. ये चिंदी काम नहीं करना है यार. 250 क्या करना है लेकर आपसे. अगर लेना ही है तो पूरे खुले दिमाग से बोलेंगे कि ये वर्थ इट है यार, ये हमारा स्मॉल केस है इसमें डाल दो, हो गया काम खत्म. ये 250 रुपया 300 रुपया ये सब तो हो गया कि बारिश के समय ना, जब हम पहले कलकत्ता में रहते थे बड़ा बाजार के जगह, बहुत पुरानी जगह है कलकत्ता में, बहुत ओल्ड जगह है, तो वहां पे लोग रहते थे तो वहां पे बारिश के समय पानी कम आता था. तो जिनके घर में नल वल नहीं था ना, तो धामा लेकर बाहर और बाल्टी ले लेकर रख देते थे. वो धीरे धीरे पानी भरता रहता था. वो लास्ट में देखते थे बाल्टी भर गई आपकी पानी की, वो यूज कर लेते थे घर में कपड़ा धोने के लिए. तो हमको बाल्टी से पानी नहीं भरना है यहाँ पे कि हम 250 रुपया, अरे आप हमारे लिंक पे क्लिक करेंगे, आप हमारे कोर्स करेंगे, उस पे हम आपको डिस्काउंट देंगे, वो सब काम ही नहीं है यहाँ पे. ये तब मैं सोचकर आपको बताऊंगा जरूर. मुझे डर इस बात का लगता है कि अगर आप लोग टेस्ला ले लिए और इलॉन मस्क तो आपको पता है क्या पीते हैं रात को और क्या फूंकते हैं सुबह, वो कुछ गड़बड़ कर रही है. तो मुझे लगता है मेरा यूट्यूब में आना मुश्किल हो जाएगा. इसलिए मैं डर के आपको एवेन्यू नहीं बता रहा हूँ कि आप कैसे लें. अगर वो आप लोग ओके हैं कि हाँ बता दीजिए सर हमारा रिस्क है, अगर इलॉन मस्क कुछ करेगा तो हम अमेरिका जाके उसको पकड़ेंगे, आपको यहाँ पे नहीं पकड़ेंगे, तब तो हम बता देंगे आपको नेक्स्ट टाइम में और बिना डिस्क्रिप्शन में लिंक लगाए बताएंगे आपको, सो डेट हमारे 250 आपको नहीं देने पड़े. वो आपकी स्टार्टिंग कमाई होगी, आप प्लस 250 से करेंगे, क्योंकि हमारे 250 तो मिलेंगे नहीं ना, वो तो डिस्क्रिप्शन वाला लिंक आप लगाएंगे नहीं. वैसे 250 नहीं मिलता अकाउंट खोलने का. आप जितने बार ट्रेड करोगे ना, वो कमीशन बार बार मुझे ही आता रहेगा उसका, अगर आप मेरे लिंक वाले से क्लिक करके अकाउंट खोल दिए तो. लेकिन आज की दुनिया इतनी होशियार है ना, ये सब काम खत्म हो गया आप बनाने का लोगों को कि हाँ यार ये लिंक लगा दो, ये कोर्स बेच दो, क्रॉस सेल कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ये मेरी किताब खरीद लो, इससे मुझे पैसे बन जाएंगे. वो सब कुछ नहीं. मेरा तो सिंपल फंडा है, मेरी किताब है, आप पढ़ेंगे अच्छा है, आपका भी ज्ञान बढ़ेगा. तभी हमने किताब 400 में नहीं बेचा ना, 1500 में बेचते हैं अपनी किताब. और वैसे भी वो किताब आपको हिंदी में हम स्टार्ट करेंगे सीरीज, तो पूरी किताब को आई वांट कि एकदम हिंदी में हम उसको ले आए आपके लिए. एनीवे करण गुडियानी का तो हो गया. आई थिंक इन मेनी ऑफ योर कमेंट्स फॉलोअर्स आर गेटिंग फेक लिंक्स एंड पे टू ज्वाइन. अरे मत करो भाई, वो अलग अलग, मैं कितने बार उसको रिपोर्ट कर दिया हूँ, वो अलग अलग नाम बनाकर फिर घुसता है अंदर, फिर उसको आप लोग को बोलता है व्हाट्सएप करो, पैसे दो, ये दो, वो फर्जी है, टोटल 100% फ्रॉड है वो. तो प्लीज वो सब ना करें आप, वो ज्यादा अच्छा रहेगा. AK-47 का एक मैसेज आया है. बसंत जी नमस्कार. अभी देखिए AK-47 का जब मैसेज आता है ना, वो AK-47 पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, वो तो डर लगता है. AK-47 से आदमी नमस्कार कर रहा हो तो भी घबराहट होती है भाई. AK-47 से आप नमस्कार नहीं करो तो भी ठीक है, नाम अच्छा रख लो यार, कम से कम पढ़ने में तो फील गुड आए कि हाँ यार कोई हमारा दोस्त ही है. AK-47 से तो घबराहट होती है, और AK-47 वाला नमस्कार भी करे ना तो आदमी 10 बार सोचता है इसका नमस्कार लेना, एक्सेप्ट करना और रेसिप्रोकेट करूं कि नहीं करूं. एनीवे समर्थ सर आओगी. सर आई एम प्लानिंग टू क्रिएट अ 6-स्टॉक पोर्टफोलियो, KPIT, LTTS, IDFC फर्स्ट बैंक, LTI, माइंडट्री, HDFC बैंक, टाइटन. अच्छा लग रहा है मुझे पोर्टफोलियो, फ्रेंकली आप मुझसे पूछोगे ये पोर्टफोलियो अच्छा लग रहा है. अगर आप अच्छा रिसर्च कर लियो तो आप देख सकते हो. 8000 आदमी देख रहे हैं हमें, ये क्या हो रहा है? अभी ज्यादा हो गए क्या लोग? मेरे पास तो दिख ही नहीं रहा है ये. एक्चुअली आई मीन मैं शाउट आउट देना चाहूंगा हमारे बसंत माहेश्वरी वेल्थ एडवाइजर्स LLP की को फाउंडर पार्टनर शालू मेहरा और हमारे हेड ऑफ रिसर्च वैभव अग्रवाल और रश्मि, और ये सब मिलकर हेल्प कर रहे हैं. शालू इज कंडक्टिंग द एंटायर थिंग बैकएंड से, और वैभव पूरा मेहनत करके आप लोग के
चैट्स उठा रहे हैं, उनका मैसेज आया मुझे 8,000 वॉचिंग, मतलब 8,000 10,000 हो गए कि कितने हो गए भाई, हमको बता दो जरा कोई, जरा मैं देख लूं मुझे ये एक्चुअली ये सब तंट गंट हम लोग को थोड़ा उतना आता नहीं है एक्चुअली, तो वही प्रॉब्लम है भाई। 8,000 10,000 आदमी आप लोग आ जाओगे तो हर संडे करेंगे, मजा आएगा, क्यों नहीं करेंगे। 8,000 इज अ लॉट ऑफ पीपल यार, आई मीन वंडरफुल। और अगर ये 8,000 लोग में से आप लोग अगर मुझे अगर हम हिंदी वाला करें और इतनी भीड़ हो तो हम तो लाइव में पूरा हिंदी कर जाएंगे, पूरा 90 हम 90 संडे लेंगे और इसको पूरा लाइव में हिंदी करेंगे और उसको फिर हम स्टोर अप कर देंगे। एंड व्हाई शुड वी नॉट डू इट, लेट्स कंटिन्यू। लेकिन इसमें आपको 2-4 मिनट मुझे मेरे जबड़े के लिए आपको देना होगा, मैं पानी पी रहा हूँ अभी, मैं पी रहा हूँ कॉफी वापस, क्योंकि इतने देर तो पानी पी रहा था लेकिन मुंह गला थोड़ा बैठ जाता है इसीलिए थोड़ा यू हैव टू बैठ। चलो क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन ज्यादा लेंगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन होगा भेजो। शालू और वैभव आप क्वेश्चन भेजो, थोड़ा पीछे देख लेंगे। आई हैव अ कॉर्पस ऑफ 40 लाख, ये बोल रहे हैं नीरज गर्ग, एंड वॉन्ट टू इन्वेस्ट 25,000 पर मंथ, वॉन्ट टू बी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, जनरेट 50,000 पर मंथ, 40 लाख, वॉन्ट टू इन्वेस्ट 25,000 पर मंथ। आपके पास समय कितना है यार, 40 लाख इज ओके नीरज गर्ग, बट समय कितना है आपके पास, 10 साल है 20 साल है। देखो बहुत सिंपल फंडा है, इसको नीचे रखो, मोटा बुद्धि चलते हैं, एकदम मोटा बुद्धि। आपके पास क्या पैसा आप डाल सकते हो, छोड़ो एक सेकंड के लिए, 40 लाख रुपया आपके पास है, अगर मैं इंडिपेंडेंटली करूँ ना और मेरे पास सिर्फ 40 लाख होना, मेरे लिए 10 साल में 10 गुना जनरेट करना टफ नहीं है। प्रॉब्लम क्या होता है, जब हम बढ़ जाते हैं, हमारे पास पैसे बढ़ जाते हैं, करोड़ों हो जाते हैं, तो उसका एंट्री और एग्जिट का प्रॉब्लम होता है। कोई शेयर लूंगा तो बढ़ जाता है, कोई शेयर बेचूंगा तो घट जाता है, खबर फैल जाती है मार्केट में, ये खरीद रहे हैं ये बेच रहे हैं, पूरी दुनिया लग जाती है साथ में, और दुनिया जिस शेयर में लगे ना वो नहीं चलेगा। देखो शुरू शुरू में क्या था, ये ऑफ ट्रैक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनने की बात है। शुरू शुरू में क्या आता था, जब मैं कलकत्ता में था, इन्वेस्ट करते थे हम, कोई कहीं पार्टी में जाना है, शादी में जाना है, इच्छा रहती थी आधे घंटा जल्दी पहुंच जाए, क्यों सब सारे शेयर बाजार वालों के अगल बगल चले जाए और खड़े हो जाए और अपना ज्ञान दे उनको। तो ये क्या होता है, पार्टी में जो जितना ज्यादा बोलता है ना वो उतना कम पैसा कमाया हुआ होता है, ये मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। जैसे जैसे पैसा बढ़ता गया ना, बोलना कम कर दिया, लोग पूछने लग गए, लोग पूछने लग गए तो पहले आप ओपन बोलते थे, जब और पैसा बढ़ गया तो लोग पूछने लग गए, फिर आप बोलना कम कर दिए, क्यों, क्योंकि आपको डर लगता है कल घट जाएगा फिर मेरे को पकड़ेगा। तो ये एक प्रॉब्लम होती है हमारे साथ जब पोर्टफोलियो बढ़ता है, तो जब छोटा पोर्टफोलियो होता है तो आप इन एंड आउट बहुत क्विकली कर सकते हो। तो 40 लाख अगर मेरे पास हो तो मैं 10 साल में, सपोज मैं 20% का रिटर्न लेता हूँ, 20% ही नो 17, वैसे हमारे निफ्टी टॉप 20 का ईपीएस ग्रोथ शायद 16-17% है, तो हमें समझो कि 10 साल में 5 गुना किया, तो 10 साल में 40 लाख का हो गया 2 करोड़, अगले 10 साल में 2 करोड़ × 5 हो गया 10 करोड़, और उसके अगले साल में 10 करोड़ × 5 50 करोड़, 50 नहीं पहुंचेंगे तो भी 20 पहुंचेंगे। घाटा नहीं करना है, घाटा कर लोगे तो मुश्किल हो जाएगा, बीच में ऐसे आएंगे आपको टाइम जैसे अभी आए, जैसे 2020 में आए, 2008 में आए, जब पोर्टफोलियो गिरता है, पोर्टफोलियो गिरता है तो मुंह लटक जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। एक्चुअली मैं बोलूं यूट्यूब करते करते ना मेरा खुद का स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है, इसलिए मैं यूट्यूब करता हूं, क्योंकि इतने मिनट तक अब पिछले 1.5 घंटे जितने देर से हम लोग कर रहे हैं, 1 घंटा 1.25 घंटा से दिमाग में आया ही नहीं कि निफ्टी ऊपर से गिरा नहीं है, हमारे स्मॉल कैप मिड कैप गिर गए हैं। हाँ जब इसको बंद कर लेंगे पिटारा बंद हो जाएगा, कैमरा उतर जाएगा, आप नॉर्मल चेंज करके आराम से बैठेंगे घर के कपड़ों में, फिर आपका दिमाग फिर खराब होगा, अरे यार कल मार्केट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, नैस्डैक में रैली आ गई, बॉन्ड यील्ड क्या हो गया। तो अगर आपका पोर्टफोलियो छोटा है, इन एंड आउट कर सकते हैं, तो 40 लाख का 30 साल में आप 5-5 गुना भी करते जाए, विच इज 18-20% CAGR, आप आराम से पहुंच सकते हैं। बस उसमें शॉर्टकट नहीं अपनाएं, जैसे शॉर्टकट नहीं अपनाएं मैं आपको बोलूंगा, अब आपको लगेगा कि मैं IDFC फर्स्ट बैंक लूं कि मैं इंडसइंड बैंक लूं। IDFC फर्स्ट अच्छी बैंक है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सरसरी तौर पे देखा हूँ, बट काफी लोग मेरे जान पहचान वाले देखे हैं, लेकिन मेरे को है कि लॉन्जिविटी, लंबे रेस का घोड़ा अगर करना है तो इंडसइंड में मैं पैसा लगाऊंगा, मैं IDFC फर्स्ट में नहीं लगाऊंगा। वैसे इंडसइंड बैंक हमारे निफ्टी टॉप 20 में है, BM वाले में, तो वो आप जरूर चेक करें अगर आप देखेंगे तो ये पॉसिबल है यार, बट ये ओवर YouTube लाइव नहीं कर सकते, इसको हम कोई दिन Q&A में करेंगे या कोई दिन हम इसको थोड़ा आप डिटेल देंगे, आपकी क्या उम्र है, कितने साल आपके पास बचे हैं, तो हिसाब से हमको अच्छा रहेगा देखना। हाँ तो एक और देखते हैं, एक सेकंड।
आशीष शर्मा बोल रहे हैं, $100 इन टेस्ला पर मंथ, प्लीज एडवाइस, प्लीज कमेंट ऑन 20% TCS ऑन फॉरेन रेमिटेंस. देखो हाँ, यस यस यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जब करेंगे तो फॉरेन रेमिटेंस ट्रांजेक्शन अंडर LRS एप्लीकेबल फ्रॉम 1st July 2023. Should I convert INR to USD before cutoff date? Yes, you should. आपको अगर देखो 20% पैसे डूबेगा नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खाके आपके पैसे का मतलब आटा दाल चावल नहीं बांट देगी गरीबों में, ऐसा मत सोचना. ये पैसा आपका टैक्स क्रेडिट होगा, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके सैलरी के टैक्स से एडजस्ट होगा, अदरवाइज होगा. बट ये बात पक्की है कि 20% TCS जो लगेगा आपको, ये बहुत ही भारी मार पड़ी है, और ये इसीलिए गवर्नमेंट कर रही है कि गवर्नमेंट डजंट वांट पीपल टू इन्वेस्ट आउटसाइड. बट $100 टेस्ला पर मंथ, अगर हम कहीं रास्ते में मिल गए और आप टेस्ला की गाड़ी में हो और भाव नहीं बढ़ा तो गाड़ी मेरे ऊपर मत चढ़ा देना, बट आई वुड से टेस्ला इज अ वेरी गुड कंपनी. ऑफकोर्स काफी लोगों ने बोला है कि आप फंस गए हो और आप इसीलिए टेस्ला बोल रहे हो बिकॉज यू आर हैविली इन्वेस्टेड. तो देखो यार, लोगों की तो चिंता मैं करता नहीं, मैं मुझे जो अच्छा लगता है मैं बोलता हूँ. मुझे पता है कि 95% लोग हमारे इस YouTube चैनल में टेस्ला शायद नहीं लेंगे, लेकिन ज्ञान तो बढ़ेगा ना. हर चीज का पैसा थोड़ी है कि हाँ यार मैं टेस्ला नहीं लूंगा तो मैं क्यों सुनूं. आपको ये तो पता चलेगा दुनिया में हो क्या रहा है, रोबोटिक्स क्या हो रहा है, जैसे स्नोफ्लेक क्या कंपनी है, क्लाउड फ्लेयर क्या है. मैं सोचता हूँ मैं करूँ इनके बारे में, फिर ये कमेंट्स आते हैं, मुझे लगता है लोग बोलेंगे अरे अरे तुम तो यार अपना माल छेप रहे हो, ये कर रहे हो. तो ये एंगल से नहीं सोचे, आपको नहीं अच्छा लगता है टेस्ला मत लॉग इन करो यार सैटरडे को. देयर विल ऑलवेज बी पीपल जो चाहते हैं कि उसको कुछ सुने दुनिया में क्या हो रहा है. हम एंटरटेनमेंट देखते हैं ना टीवी में, हम देखते हैं ना न्यूज आती है, कुछ क्लिपिंग होती है, अपनी बुद्धि बढ़ती है, अपना फ्यूचर के हिसाब से भी देखना चाहिए कि बच्चों को हम क्या करें. अब कितने जन होंगे जो सोचते होंगे कि उनका घर में ड्राइवर है, नौकर है, इन सब का काम खराब हो जाएगा अगले 10-15 साल में. तो सुनना जरूरी है. जैसे हमारे जितने ड्राइवर काम करते हैं, हमारे कलकत्ता में काम करें, बॉम्बे में काम करें, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि अभी ड्राइवर की नौकरी अगले 20 साल में खत्म हो जाएगी, आगे इनका स्कोप नहीं है जब ड्राइवरलेस कार आ जाएगी. अब आप बोलेंगे इंडिया में आएगी या नहीं आएगी, लेकिन प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही होती है ना. मिलंद बंसल कह रहे हैं, हेलो बसंत सर, आई हैव इतना बजाज फाइनेंस, इतना माइंड्री, इतना बजाज फिन सब क्वांटिटी लिखा है, वो मैं पब्लिक फोरम में नहीं बोलना चाहता हूँ, इतना डीमार्ट, इतना LTTS, प्लीज शेयर योर व्यूज ऑन दिस फॉर द लॉन्ग. दे ऑल गुड कंपनीज यार मिलंद, आई थिंक मिलंद बंसल आपके सारी कंपनियां अच्छी है और ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, यू शुड जस्ट कीप होल्डिंग ऑन टू देम. प्रॉब्लम इसमें ये होगा कि जब ये मार्केट रिकवर करेगा तो ये सब कंपनियां कम चलेगी, ज्यादा जोर से नहीं चलेगी, तो क्या फर्क पड़ता है. आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा रखना है ना, आपको कौन सा उठा के अभी बेच देना है या कोई घर में कोई घर बनाना है या कुछ करना है. दे ऑल फिनोमिनल कंपनीज, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो 15-20% CAGR मिल सकता है इसमें. कृष्णा सहा कह रहे हैं, सर आई हैव इन्वेस्टेड इन योर BM विजन 2030, शुड आई इन्वेस्ट इन योर BM स्मॉल कैप एंड BM निफ्टी 20? You tell me if you should invest in many companies for high return, what should I do? So, देखो निफ्टी 20 उसके लिए है जिसको रिस्क नहीं लेना है, मतलब निफ्टी से बेटर रिटर्न करेगा. हम एटलीस्ट ये सोचते हैं, नहीं करेगा तो आप ट्रोल करना, आप कमेंट में लिखना, आप चैट बॉक्स में आना, मैं भी यूट्यूब में कम कर दूंगा आना. नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं करेंगे. नहीं किया यार, वापिस अगले साल कर लेगा. ये थोड़ी है कि नहीं किया तो जिंदगी भर के लिए राइट ऑफ कर दिया आपने. तो बात है आपके पास पैसा कितना है. अगर आपके पास इतना ही पैसा है, अगर आपके सपोज आपके पास 5 लाख रुपए जिसमें आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, ज्यादा आप देखना चाहते हो. अच्छा मैं बोल रहा हूँ रिस्क नहीं लेना चाहता, बट मेरे को लगता है जाने अनजाने में ये हमारा निफ्टी टॉप 20 बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बन गया है, बिकॉज स्टेबल, सॉलिड, डाइवर्सिफाइड अक्रॉस सेक्टर्स, और बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो बन गया है. तो 5 लाख रुपया 4 लाख रुपया हो तो ही उसमें डालना, बिकॉज फ्लैट फीस देकर आपको कुछ नहीं बचेगा. आप 1 लाख रुपए डालोगे और मेरे को 6,000 दोगे, ऐसा काम मत करना, डोंट डू इट. अगर आपको 1 लाख डालना है और मुझे 6,000 देना है तो कोई फायदा नहीं यार, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू मेक मनी, बिकॉज माई बिजनेस, माई किचन, माई ऑफिस, माई एंटायर एक्टिविटीज, आवर रादर, इट डजेंट रन बिकॉज ऑफ यूट्यूब, इट डजेंट रन बिकॉज ऑफ स्मॉल केस. हमें तो हमारा पोर्टफोलियो बढ़ जाए उससे अच्छा कुछ नहीं चाहिए. यूट्यूब स्मॉल केस से कितना पैसा आएगा, और वैसे भी हम वो लिंक जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके 250 तो हम आपसे ले नहीं रहे हैं, तो वो तो हमारा लॉस है ही ना टू स्टार्ट विथ. वैसे जितने यूट्यूबर है ना उनको बोलने में थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको आप क्लिक करें, क्योंकि सबको पता है 250 का चक्कर है. चलो भाई, एकता गुसैन, सर इतने बारे आर लगा दिया, आई एम अ हाउसवाइफ, आई हैव 50,000 की 50,000, ओ 50,000 रुपया इनके पास. देखो भाई 50,000 है तो आप BM टॉप
20 तभी हम निफ्टी टॉप 20 में नहीं लगाइएगा, 50,000 रुपए के लिए है नहीं। टेल मी वन स्टॉक प्लीज। चलो भाई एकता जी आप मुझे अगर पकड़ोगे नहीं तो मैं आपको बोलूंगा आप बजाज फाइनेंस ले लो, ए वन स्टॉक, जस्ट वन स्टॉक और बजाज फाइनेंस पूरे 50,000 डाल दो। आई एम वेरी श्योर आप दुखी नहीं हो गए, और आपको तो पता है ना डिस्क्लेमर के साथ ही हम बोलते हैं। नितिन गुप्ता, यू वंस सेड 25% अर्निंग्स ग्रोथ विद 25 पी कंज्यूमर कंपनीज आर बेस्ट। यस एब्सोल्युटली, एंड आई कांट फाइंड एनी सच कंपनी। हाँ नहीं मिल रहा है अभी। What multiple for any company makes sense if you are able to predict its earnings growth? आप example दोगे तो अच्छा रहेगा, but अगर मैं predict कर पाऊँ तो Asian Paint बढ़ेगा 12-15% पे, Pidilite बढ़ेगा 10-12%, 15 भी नहीं 12% पे। ये सबको 70-80 का पी दिया हुआ मूर्खताई का काम है। मैं तो नहीं देता, मैं तो आधे दाम पे भी नहीं लूंगा Asian Paint और Pidilite, because ये कब air pocket hit करेंगे ना। वैसे आपको याद होगा, आप शायद पता है कि नहीं, ITC इतना बड़ा है लेकिन पिछले 10 साल का आप रिटर्न देखोगे तो निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया है। तो आईटीसी जिसको पूरे एकदम रिटेल कम्युनिटी घुसी पड़ी है, 9 साल वेट किया, 10वें साल में स्टॉक जाके डबल हुआ, इतना पेशेंस किस में है? फिर तो इतना पेशेंस होता तो हम सब गौतम बुद्धा बन जाते यार, कहाँ इतना पेशेंस होता है हमने। तो आप ये एंगल से आप देखेंगे कि ये सब कंपनियों में पैसा लगाकर इट इज वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली कि 25% अर्निंग्स ग्रोथ के साथ। अब जैसे पेज है, पेज इंडस्ट्रीज ऊपर से गिर गया है, बट उसे 25% अर्निंग्स ग्रोथ नहीं है, उसमें भी 18% का अर्निंग्स ग्रोथ है, 16-17-18, और पी रेशियो आप देख लो क्या है उसका। पराग पारेख, सर स्विंग ट्रेडिंग इन ETF और BM20 में हो सकता है? स्विंग ट्रेडिंग इन ETF और BM20 में हो सकता है, मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन। मुझे लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि ETF लें कि BM टॉप 20 लें। मुझे लगता है BM टॉप 20 शुड डू बेटर देन द अंडरलाइन निफ्टी, तभी तो 20 कंपनियां निकाले हैं ना, नहीं तो क्यों निकालते। अभिषेक त्रिवेदी, 25 लाख चार स्टॉक्स, व्हाट इज योर एलोकेशन एडवाइस? चार स्टॉक 25 लाख, अरे लोग सुन लेंगे ना तो मेरे और आपको दोनों को झाड़ पड़ेगी। चार स्टॉक 25 लाख, अगर आप मुझे कान कनपट्टी पे बंदूक रख दिए है, अब मैं क्या करूं? 25 लाख चार स्टॉक, तो मैं एक इंडसइंड बैंक आपको दिला दूंगा, मैं एक बजाज फाइनेंस दिला दूंगा, दो मैं एक सीमेंट दिला दूंगा, अल्ट्राटेक 3 और शायद HCL टेक दिला दूंगा, कुछ एक दो हमारे स्मॉल केस में इधर उधर होंगे या कुछ ऐसे वैसे दिला दूंगा। तो आई थिंक ये चार, बिकॉज आप चार स्टॉक बोले, मैं चार लार्ज कैप निफ्टी से ही लूंगा, इधर उधर का नहीं लूंगा मैं। अच्छा देखो, वैभव गिरिया कह रहे हैं प्लीज प्लीज प्लीज, तीन बार प्लीज आ गया इनका, योर व्यू ऑन इंश्योरेंस सेक्टर लाइक ICICI लॉम्बार्ड, HDFC लाइफ, प्लीज प्लीज प्लीज, छह प्लीज। देखो भाई ICICI लॉम्बार्ड मुझे लगता है शायद बेटर, ये लोग का वैल्यूएशन इतना हैवी है ना इंश्योरेंस कंपनियों का, HDFC हो या ICICI लॉम्बार्ड हो, कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप 3 साल अटक गए रास्ते में। बट हाँ ICICI लॉम्बार्ड SBI शायद अच्छे, बट मतलब आपको लेना क्यों है इतना हैवी वैल्यूएशन पे, एक ही स्टॉक क्यों लेना है? मतलब आई एम नॉट कंफर्टेबल बाइंग स्टॉक्स एट सच हैवी एंड क्रेजी वैल्यूएशन, दैट्स द प्रॉब्लम। शशि शर्मा कह रहे हैं सर आई नो यू विल नॉट टेक दिस क्वेश्चन, क्यों भाई आपने पहले से क्यों अज्यूम कर लिया ऐसा? बट ऑन वन साइड यू कीप सेइंग नो रिकमेंडेशंस, अदर साइड यू आर सेलिंग स्मॉल केसेस इन 3000, आर यू नॉट सजेस्टिंग शेयर्स इन स्मॉल केसेस? नो रिकमेंडेशन मींस कि आपको मैं नहीं बोल रहा हूं स्टॉक लेने को, स्मॉल केस इसलिए सजेस्ट कर रहे हैं बिकॉज आई एज्यूम कि हर आदमी को कुछ ना कुछ साइड में बिजनेस करने का हक होता है, और वो हक जब तक खराब नहीं है जब तक वो दूसरे वाले को मिसलीड और मिसगाइड नहीं करे, और क्योंकि मैं आपको मिसलीड और मिसगाइड नहीं कर रहा हूँ उसमें मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास स्मॉल केस है और आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वैसे वो लिंक में ही लगा हुआ है और डिस्क्रिप्शन है, और इसमें जितना हम कमाएंगे आपको क्लियरली पता है कितना हम कमाएंगे, तो इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं है, बिकॉज हम ऐसा कोई स्मॉल केस बनाए ही नहीं है कि आपको मिसलीड और मिसगाइड किया जाए। आप हमारे एग्जिस्टिंग दो स्मॉल केस देखिए, वी आर डूइंग बेटर देन द अंडरलाइंग इंडेक्स, जो आप ओपन खोलते ही पर्दा खुल जाता है, खुल जा सिम सिम हो जाता है सीधा, तो हमारे अंडरलाइंग इंडेक्स हम बहुत बेटर कर रहे हैं स्मॉल केस में, तो मिसलीड और मिसगाइड करने का तो क्वेश्चन ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। चलो कोई बात नहीं। ऋषि सर, ड्यू टू दिस VC कल्चर वी आर लेफ्ट विद नो अपॉर्चुनिटी, वेरी करेक्ट, IPO लिस्ट हो ही होता है हाई PE पर, क्या करें? एब्सोल्युटली करेक्ट, सारा जो रिटर्न है आपका ये VC वाले सारे खत्म हो जाते हैं। ये VC नहीं है, वल्चर कल्चर है, वेंचर कैपिटल नहीं है, वल्चर कल्चर है। सारा पैसा, सारा मलाई, सारा दूध निकाल लेते हैं ये, और
आपको आता है सिर्फ लास्ट में ढांचा. सो दैट इज द प्रॉब्लम विद दीज काइंड ऑफ कंपनीज वेयर यू आर अ वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, बिकॉज वो वेंचर कैपिटल के साथ आपको तो पैसा कैसे बनेगा आप अगर ऐसा करोगे तो. दैट इज द प्रॉब्लम. एक और क्वेश्चन निखिल श्रीवास्तव, सर पोर्टफोलियो स्टॉक प्लेजिंग करना चाहिए या नहीं? बाप रे बाप, हम तो प्लेजिंग करते हैं लेकिन अब हम डिसाइड किए आप धीरे धीरे नहीं करेंगे, बिकॉज पोर्टफोलियो स्टॉक प्लेज करने से क्या होता है, पैसे तो बनते हैं ज्यादा ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बट आपकी जिंदगी शायद कम हो जाएगी, हम ऐसा रियलाइज किए हैं. बताते हैं एक सेकंड. वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर 99-92 साल के हो गए, कोई टेंशन नहीं लिया और पैसा आराम से इंजॉय किया और सारा कंपाउंडिंग करते गए करते गए करते गए. तो प्लेज करें आप जब आपका पोर्टफोलियो छोटा हो, आप रिस्क ले सकते हो और आपको लगता हो हाँ ठीक है क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे हम हैंडल कर लेंगे पूरे बाजार को. लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा हो गया हो, अगर आपका पोर्टफोलियो करोड़ में चला गया हो, तो प्लेज जो है ना वो एक नशा रहता है, एक कोकेन रहता है कि यार करना है, लेना है, क्यों लेना है, क्यों करना है. रिस्क आपका बढ़ जाता है, आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हो, आप हर वक्त अटके रहते हो शेयर के भाव के साथ. मैं पर्सनल एक्सपीरियंस, हमारा एक्सपीरियंस मैं बोल रहा हूँ आपको, एंड आई हैव नो शेम इन एडमिटिंग, बिकॉज जो अगर मैं अपनी तारीफ की बात भी बोलता हूँ तो मैं नेगेटिव भी बताना चाहिए कि बियॉन्ड अ पॉइंट प्लेजिंग शेयर्स, बाइंग शेयर्स ऑन मार्जिन, डूइंग FNO, इट डजंट हैव एनी पर्पस एक्सेप्ट दैट इट डिस्ट्रॉयज योर लाइफ, सो यू शुडंट डू इट. बट इफ यू हैव अ स्मॉल पोर्टफोलियो, प्लेज करना चाहिए, लोन लेना चाहिए और रिस्क लेना चाहिए, बिकॉज तभी आपका पैसा बढ़ेगा. कृष्णकांत मोदिया बोल रहे हैं, बिरला सॉफ्ट, टेक महिंद्रा, विप्रो, व्हाट्स द फ्यूचर? आईटी कंपनीज आई थिंक ओके यार, आप कुछ भी ले लोगे तो उसमें तो कुछ नहीं बोल सकते उसमें. इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट हमारा होगा ही कहीं ना कहीं, आप वो ध्यान देके देखना. जीवन प्रकाश, वी ऑन फुटवेयर शेयर, बाटा, रिलैक्सो, कैंपस. नहीं, मुझे नहीं लगता फुटवेयर में होता. मेट्रो अच्छा कर रहा है लेकिन कभी कोई अच्छा करता है, कभी कोई खराब कर देता है, तो वो कोई सेंस नहीं है उसका. जॉर्डन मलिक, सर प्लीज व्यू अबाउट डिफेंस एंड एरोस्पेस इंडस्ट्री फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स. देखो भाई, वापिस आप लोग बोलोगे, आप लोग कुछ इलॉन मस्क की बात कर रहे हो, बट SpaceX करके कंपनी है US में, हमारे पास SpaceX है, वो अनलिस्टेड में है, तो आपको उस ढंग से देखना चाहिए. आप SpaceX को जरूर देखें, उसके अलावा एरोस्पेस में मुझे नहीं लगता इंडिया में कुछ है, और SpaceX शौक के लिए देखें, समझें क्या होता है. और डिफेंस मुझे लगता है B2B बिजनेस है, आप खरीदते हो और गवर्नमेंट को बेचते हो, आप कितने दिन तक पैसा कमाओगे, बियॉन्ड द पॉइंट लंबा पैसा बनाना मुश्किल होता है उसमें. हिमांशु शर्मा, आई कैन टेक रिस्क, व्हाट इज सजेस्टेड फॉर 30 लाख इन्वेस्टमेंट, BM टॉप 20, निफ्टी 20 और BM स्मॉल कैप? 20 लाख स्मॉल कैप में डालो, 10 लाख टॉप निफ्टी 20 में डालो. अगर आप 30 लाख डालना चाहते हो तो 20 लाख स्मॉल कैप में डालोगे तो उसमें रिटर्न थोड़ा बनेगा, और 20 लाख जो टॉप 20 में डालोगे वो अच्छा, दोनों फ्लैट फीस प्रोडक्ट है. तो आप 30 लाख भी डालोगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज फीस उतना ही देना है आपको, तो वो हिसाब से आप देख सकते हैं इनको. देखो, अगर हमको पैसा बनाना है तो हम बोलते हैं नहीं, आप BM विजन में डालो, बिकॉज उसमें AUM पे पैसा आता है. आप विजन में भी थोड़ा डाल सकते हो, 10-10-10 तीनों में डाल दो. मतलब फीस के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इवन अदरवाइज आप 10-10-10 तीनों में डालो, आपका रिटर्न अच्छा बनेगा, ये मैं सजेस्ट कर सकता हूँ. सुमन साहा, सर इट इज बेटर टू डू स्टेप ऑन स्मॉल केस रादर देन डायरेक्ट स्मॉल कैप फंड फॉर 10 ईयर्स. एब्सोल्युटली करेक्ट. स्मॉल कैप में सिप ज्यादा अच्छा होता है, बिकॉज स्मॉल कैप का मूवमेंट भी वाइल्ड होता है. लेकिन चक्कर वही है, सिप करके 2-3-4 महीने में खत्म कर दो सिप, 5 साल तक सिप मत चलाओ, बिकॉज अभी हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट है, 1-2-3 महीना आपको चांस मिलेगा. अगर आप 5 साल तक सिप चला रहे हो, मतलब कि आप 5 साल तक अज्यूम कर रहे हो शेयर नहीं बढ़ेगा, तो फिर सिप करना ही क्यों है? अगर आपके पास पैसा आएगा अगले 5 साल तक तो आप 5 साल सिप करो. अगर आपके पास पैसा ऑलरेडी अवेलेबल है तो आपको 5 साल तक क्यों वेट करना है? सचिन जैन, सर स्टार्टेड इन 2017, IRR इज 22%, वेरी नाइस. अंडर व्हाट मार्केट कंडीशन? इन दिस मार्केट कंडीशन विदाउट डिविडेंड. इन दिस आई हैव नॉट बॉट इन कोविड क्रैश, नीड टू इंक्रीज 30%. आई हैव बजाज फाइनेंस, डीमा, टाटा एलेक्सी, PI इंडस्ट्रीज, ITC सिंजीन. देखो, ITC सिंजीन के अलावा मुझे बाकी सब स्टॉक अच्छे लगते हैं. अब आप बोलोगे ITC आपको अच्छा नहीं लगता, ITC तो बढ़ गया, ITC अब बढ़ गया, उसका क्या कर सकते हैं? बट अर्निंग ग्रोथ नहीं है तो क्या करूं मैं? मतलब आई जस्ट कैंट फोर्स माई सेल्फ टू लाइक अ स्टॉक जस्ट बिकॉज उसका भाव बढ़ रहा है ना. आपको स्टॉक जब ही लेना है जब आपको लगता है कि उसकी EPS बढ़ेगी. हमारे दुकान वाले भैया जो 20 लाख डाल के दुकान खोले थे, वो हर साल 5 ही लाख कमाएंगे तो उनकी क्या इज्जत होगी समाज में, दुनिया में? वो अभी 20 लाख डाल के दुकान खोले थे, 5 लाख इस साल कमा रहे, अगले साल बाहर गाँव एक और दुकान खोले, उसके अगले साल एक और दुकान खोले, तो इज्जत भी बढ़ेगी, पैसा भी बढ़ेगा. तो एक्सपेंशन होना चाहिए ना, नहीं तो फायदा क्या है?
देखिए कोटक जी बोल रहे हैं सर, आई हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन बीएम विजन 2030 एंड बीएम स्मॉल कैप, शुड आई इन्वेस्ट इन बीएम टॉप 20? माय कंसर्न इज द नंबर ऑफ स्टॉक्स बिकम्स approximately 10, 15, 20, 45, please advise. Yes, you are correct. Number of stock becomes 45, but I think these 45 have got different flavors. Aap BM Nifty 20 jo hai na, wo Nifty ETF ki tarah usko samjho, better improvised form of Nifty ETF. So, like add aata tha, new improved, Vim, kapde bhi saaf kare, pata nahi kiska add aata tha. So new improved Nifty, aap aisa samajh ke chalo isko, ki waise aap isko samjho, but haan, number of stocks badh jate hain, but theek hai, sab alag hai na, sab different स्पेक्टर्स है, कोई स्मॉल कैप है, कोई मिड कैप है. अभी आप देखो लास्ट डेढ़ साल से स्मॉल कैप की ऐसी धुलाई पिटाई हो रही है जैसे कोई किसी का हाथ का कंगन उठा के भागा हुआ चोर को मार रहे हैं पब्लिक में खड़े हुए लोग. ऐसे स्मॉल कैप की पिटाई होती है, आपको पता ही नहीं चलता कि गिर क्यों रहा है. पहले तो गिरता है, फिर आप इधर उधर फोन करते हो, यार गिरा क्यों है, बोलो किसी को नहीं पता, ऐसे ही गिर रहा है. तो वो वाली हाल है. तो अभी तो आपको सब ले लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. और स्पेशली स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप तीनों अलग अलग है. बस ऑफकोर्स 45 नंबर ऑफ स्टॉक ज्यादा होता है, बट आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो तो वैसे करो. शुभम जगन्नाथ सर, यू ऑलवेज टेल अस दैट स्टॉक रिटर्न इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट ग्रोथ. यस, बट हाउ टीसीएस इज मैनेजिंग टू जनरेट अराउंड 16% सीएजीआर इन लॉन्ग टर्म डिस्पाइट अ नॉमिनल प्रॉफिट ग्रोथ रेट ऑफ ओनली 8%? यस, वेरी गुड क्वेश्चन शुभम. आप देखो टीसीएस बायबैक करती है अपने शेयर का, तो जो 8% प्रॉफिट ग्रोथ है ना, सारा कैश आता है, कैश से वो बायबैक कर लेती है अपने शेयर, और इसीलिए उसका प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ जाता है आगे जाकर और ज्यादा हो रहा है. और प्लस क्या होगा, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम टीसीएस विल गेट कॉट अप इन अ हाई पी एनवायरनमेंट. उसके बाद आप देखोगे टीसीएस चलना बंद हो जाएगा, एक दो तीन साल साइडवेज निकाल देगा. एक साल तो ऑलरेडी हो ही गया, डेढ़ साल, उसमें क्या है. विश्वेंद्र सिंह बोल रहे हैं सर, आई एम फॉलोइंग अ प्रैक्टिस ऑफ फ्रीइंग माई स्टॉक बाय सेलिंग हाफ और होल्डिंग ऑन टू डबलिंग ऑफ प्राइस एंड हेल्पिंग एंड कीपिंग द रिमेनिंग हाफ. कोई राइट रॉन्ग नहीं है यार इस एनवायरनमेंट में. आपने शेयर खरीदा 100 में, 200 चला गया, आपने 500 शेयर खरीदा था, 200 जब डबल हुआ आपने 250 बेच दिया और बाकी का शेयर फ्री कर लिया. ये आज से 30-40 साल पहले लोग करा करते थे और बहुत खुश होते थे, और हम लोग भी बहुत खुश होते थे उस समय कि यार डबल किया मैंने, बेच दिया. आप समझो आपके हाथ में एक 40x मिल गया वो पेज, और आप डबल करने पे आधा बेच दिए, उसके डबल करने पे पूरा शेयर बेच दिए, चार गुना में, तो आप गेम से ही बाहर हो गए. ये सब हाफ हाफ वाला काम ठीक है, आप बहुत एक्स्ट्रा लार्ज कैप कर रहे हो. तो अगर आप 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000 करोड़ मार्केट कैप कंपनी कर रहे हो तो ये सब करो कि हाफ हो गया तो बेच दिया, फिर हाफ हो गया तो बेच दिया. बट अदरवाइज आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप ये सब काम ज्यादा करो. सुबोध कुमार सर, हाउ डू यू आइडेंटिफाई अ क्वालिटी प्रमोटर? हाई आरओई. अगर क्वालिटी प्रमोटर है तो हाई आरओई करेगा, 25% का रिटर्न ऑन इक्विटी होगा 25% का. और क्वालिटी प्रमोटर है तो आप देखेंगे कि नहीं, आई थिंक बहुत सिंगल एक मैट्रिक अगर आप मुझसे पूछोगे तो हाई आरओई होगा और तो क्वालिटी प्रमोटर है. 30% आरओई करने वाला प्रमोटर रेयरली कोई चोर निकलता है. डिविडेंड टैक्स भी है, बट नॉर्मली आप मुझसे पूछोगे तो हाई आरओई आप लोगे. फिर जब हम मैनेजमेंट पढ़ेंगे कभी डिटेल में करेंगे तो उस समय हम लोग और इसको देखेंगे. साइबर इंडिया सर, माई नेम इज प्रमोद यादव. ओके, माई सैलरी इज 12,000, नहीं सॉरी सॉरी 1,20,000, सॉरी. आई कैन सेव 80,000 पर मंथ विच Small case, I should invest. I have 6 lakhs and I can invest 80,000 per month. देखो मैं आपको प्रमोद आपको मैं बोलूंगा, आप निफ्टी टॉप 20 में इन्वेस्ट करो थोड़ा, और जो मंथली इन्वेस्ट कर रहे हो जो 6 लाख आपके पास है उसको आप तीनों में डालो, बट मंथली वाला जो पैसा है ना वो फोकस्ड स्मॉल कैप में डालना. मंथली वाला पैसा उसको एक साथ में डाल. हाँ एक बार आपको फीस लगेगा ज्यादा, बट आप तो 12 महीने में पैसे डालोगे ना. बट आपको मंथली पैसा जो है वो आप स्मॉल कैप में डालो. टॉप 20 में भी डाल सकते हो, विजन में भी डाल सकते हो, दोनों में डाल सकते हो, उसमें कुछ नहीं है. तो अगर आपके पास अभी आप बोल रहे हो माई सैलरी 1,20,000, आई कैन सेव इट, अभी आपके पास 6 लाख है, तो मुश्किल का क्वेश्चन है. मेरे को लगता है 6 लाख आप विजन में डाल दो और मंथली वाला स्मॉल कैप में डाल दो अभी. और फिर अगर आपको कभी नजर आए या कुछ और हो तो फिर आप टॉप निफ्टी टॉप 20 में भी डाल सकते. आप देख लो दोनों में से, टॉप 20 और विजन में आपको जैसे डालना है डाल दो. बट आई थिंक विजन का रिटर्न थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा, बेटर रहेगा. टॉप 20 का रिटर्न वॉलेटिलिटी कम रहेगा और थोड़ा सा स्टेबल रहेगा. और थोड़ा सा मेरे को लगता है, वैसे जो लगता है वो गलत ही होता है शेयर बाजार में शॉर्ट रन में,
कि निफ्टी टॉप 20 का रिटर्न से विजन का रिटर्न बेटर होगा, लेकिन क्या पता निफ्टी टॉप 20 रिटर्न बेटर दे दे, तो वो डिफिकल्ट कॉल है। लेकिन मंथली का जो 80,000 है वो आप स्मॉल कैप फोकस में डालना, फीस एक और लगेगी, आप उसमें 1,000,000 डालो, 10 करोड़ डालो, उतने ही पैसे दे रहे हैं हमको, उसमें आपको प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए। अश्विनी कुमार, व्हाई नॉट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स विच कैन गिव 20% रिटर्न? कौन सा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड 20% रिटर्न देता है भाई? वो पिछले 10 साल का रिटर्न मत देखो, 50, 60, 70 कंपनी लेकर 20% का रिटर्न नहीं बन सकता है, पॉसिबल ही नहीं है 50, 60, 70 कंपनी लेकर 20% का रिटर्न बनना। तो वो एंगल से आपको देखना पड़ेगा कि स्मॉल कैप निफ्टी रिटर्न में उतना आता नहीं है रिटर्न। और शायद कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक सेकंड में देख लेता हूं। हाँ सॉरी, मैं थोड़ा आगे पीछे, बहुत सारे क्वेश्चन इसीलिए। हाँ, मैनी गुड ब्लू चिप, ये राघव बागड़ी बोल रहे हैं, मैनी गुड ब्लू चिप कंपनीज आर ट्रेडिंग एट पी ऑफ मोर देन 50, आर दे गुड बाय फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स और इट? नहीं, वेरी गुड पॉइंट दैट यू हैव रेज्ड राघव, बिकॉज ये इतने हाई पी के बाद पैसा कमाना लगभग असंभव है, इट्स नॉट पॉसिबल टू मेक मनी बाय बाइंग कंपनीज एट सच एबनॉर्मल प्राइस अर्निंग रेशियोज। आर्यन खान बोल रहे हैं, सर आई 50 लाख, Where should I invest for high risk and high reward? High risk, high reward, small cap, multi cap, not large cap Nifty. High risk, high reward अगर आपको चाहिए तो। Subramanyam Yadla बोल रहे हैं, I have 2.5 crores and 64 years age. How much can I go for equity? I got 60,000 monthly pension, own building, no dependents, Hyderabad. Subramanyam जी, आप 2.5 crore आपके पास है, आपको स्टॉक्स में डालना है क्या? मतलब अगर आपको डालना है तो मैं बोलूंगा आप स्मॉल कैप्स में मत जाओ, बिकॉज व्हाई वुड यू वांट टू टेक सो मच रिस्क, यू बाय मल्टी कैप और यू बाय अ लार्ज कैप, दोस काइंड ऑफ थिंग्स, बट डोंट गो इनटू स्मॉल कैप्स। एंड इक्विटी में उतना मत डालो आप स्मॉल कैप में, बिकॉज आपको समझने में करने में मुश्किल हो जाएगा ये सब स्टॉक्स, सो दैट इज द थिंग। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप इसको ज्यादा एंटरप्राइजिंग नहीं करें, और ये कोई बोल दिया कोई कर दिया वैसा नहीं करें। निफ्टी लार्ज कैप और मल्टी कैप फंड, अब मल्टी कैप क्या होता है, जैसे बीएम विजन 2030 है, लार्ज कैप बीएम निफ्टी टॉप 20 है, ये लार्ज कैप है, तो इस टाइप के में आप डालोगे तो अच्छा रहेगा। जरूरी नहीं आप हमारे स्मॉल कैप में डालो, आप कहीं और से भी डाल सकते हो, कुछ और भी कर सकते हो, खुद भी लगा सकते हो पैसे, बट ज्यादा स्मॉल कैप में ढूंढने की चेष्टा मत करो, मुश्किल हो सकता है। माधवेंद्र साहू, नमस्कार सर, यू रेयरली टॉक अबाउट cyclical इन्वेस्टमेंट, इफ पॉसिबल प्लीज पुट सम लाइट ऑन इट। JSW स्टील आप देखो यार, JSW cyclical इन्वेस्टमेंट है, बट मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। अल्ट्राटेक, बहुत जन सीमेंट को cyclical बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये सब cyclical क्वेश्चन है यहाँ पे, cyclical क्वेश्चन बोल रहा हूँ, cyclical इन्वेस्टमेंट है, बट दे डू रियली वेल। और cyclical डाउन टर्न में लेते हैं, हमने 2020 में सारे cyclical लिए थे, वेदांता लिया था, स्टील अथॉरिटी लिया था, टाटा स्टील लिया था, तो वो हिसाब से आप देखेंगे तो cyclical इन्वेस्टमेंट्स डू वेल ओवर पीरियड ऑफ टाइम। बट आपको cyclical में दो चीज राइट होनी चाहिए, एक एंट्री राइट होनी चाहिए और एक एग्जिट राइट होना चाहिए। अगर आपका दोनों राइट है, एंट्री और एग्जिट, तो उसके बाद यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। बट अगर आपका सिर्फ एंट्री राइट है, आप एग्जिट नहीं कर पाए, तो ले दे के कहानी बराबर। अगर आप एग्जिट सही कर पा रहे लेकिन आप एंटर नहीं किए हैं बॉर्डर लाइन पे, तो ले दे के कहानी बराबर। तो cyclical में ये प्रॉब्लम आती है। और क्वेश्चन ले सकते हैं, भेजते रहो भाई। सर, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ ग्रीन एनर्जी इन इंडिया प्लीज? आप लोग अगर थक गए हो तो फिर वी कैन शट इट ऑफ, तो आप कमेंट में लिख देना कि हम इसको आधा एक घंटा और चला दें कि क्या करना है, तो विल बी फाइन। सर, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ ग्रीन एनर्जी इन इंडिया प्लीज डिस्कस अबाउट टाटा पावर, कैन टाटा पावर गिव रिटर्न 5x इन 10 इयर्स? या टाटा पावर ग्रीन एनर्जी में काफी कुछ कर रहा है, वो 60% ऑफ व्हाट अडानी ग्रीन कर रहा है वो कर रहा है, और वो बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहा है, और हमने पीछे टाटा पावर लिया भी था, बेच भी दिया था, बट अभी के हिसाब से टाटा पावर का वैल्यूएशन लगता है काफी हो गया है, शायद कुछ दिन तक चले नहीं वो दूसरी बात है, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक टाटा पावर शुड डू वेल।
5x in 10 years का मतलब हो गया 20% CAGR approximately. तो टाटा पावर शायद कर ले 20%, 18%, 20% CAGR नहीं करेगा. अच्छा 10 years में 5x नहीं करेगा तो क्या हुआ, 12 years में कर लेगा, 11 years में कर लेगा. तो टाटा पावर अच्छी कंपनी है और ग्रीन में तो बहुत कुछ कर रही है वो. एमके बोल रहे हैं सर रिलायंस इज व्यू. देखो मुझे लगता है रिलायंस का बेस्ट जो है स्टॉक का रिटर्न का समय वो हो गया है. अभी स्टॉक मुझे नहीं लगता रिलायंस में कोई बहुत बड़ा कोई धमाका होने वाला है. और बिकॉज इसका जो हाइड्रोकार्बन का बिजनेस है, जो पेट्रोल जिसको हम कहते हैं, जो पेट्रोलियम का बिजनेस है, रिफाइनरी का बिजनेस है, वो ठंडा है. इसका जियो में तो ये लड़ाई झगड़ा हो रही है, ये कब रेट बढ़ाएंगे, टैरिफ बढ़ाएंगे तो इनका कुछ होगा. और रिटेल में ये अगर स्पिन ऑफ करेंगे तो कुछ होगा. ये ट्राई कर रहे हैं रिटेल में अलग अलग फॉर्मेट, बट कुछ अचीव नहीं हो पा रहा है. तो ले देकर आप रिलायंस देखेंगे ना, कुछ अटक सा गया है ना. इसमें डाउनसाइड है ज्यादा ना कुछ अपसाइड है, मुझे जो लगता है. और इसीलिए हमने निफ्टी टॉप 20 में रिलायंस नहीं रखा है उसमें, बिकॉज हमको 15% अर्निंग्स CAGR रिलायंस की नजर नहीं आती है. सुमन साहा कह रहे हैं कैन जुबिलेंट फूड गिव CAGR रिटर्न्स फॉर नेक्स्ट 5 years. देखो हमारे पास जुबिलेंट फूड है तो रिकमेंडेशन नहीं होगा इसका, ऑब्वियसली मतलब डिस्क्लेमर है हमारे पास है. और हाई इन्फ्लेशन एनवायरमेंट में क्या होता है ना, हाई इन्फ्लेशन एनवायरमेंट में नॉर्मली एक सेकेंड सॉरी हाँ, हाई इन्फ्लेशन एनवायरमेंट में क्या होता है कि जब भी आपका इनपुट के दाम बढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन हो गया, आपका वीट का दाम, गेहूं का दाम बढ़ गया, आटा का दाम बढ़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि गेहूं का दाम बढ़ गया, चीनी का दाम बढ़ जाता है. अब पिज्जा में चीनी तो डालते नहीं है, बट सब कुछ चीज वीज सब बढ़ जाता है आगे पीछे ले देकर. फिर फ्यूल का दाम बढ़ जाता है तो आपके होम डिलीवरी का खर्चा बढ़ जाता है. तो ये सब जब होता है ना तो बहुत मुश्किल होता है कोई भी एक QSR को अच्छा करना. और वो एंगल से आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस टाइप की कंपनियों में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको रिटर्न जो है वो अच्छा मिलेगा. लेकिन रिटर्न जो आपको अच्छा मिलेगा वो एक दो साल में आपका रिटर्न जो है इन्फ्लेशन जब आता है साल में तो वो मुश्किल होता है. तो दैट इज द प्रॉब्लम इन डीलिंग विद दीस काइंड ऑफ कंपनीज. संदीप महाले कह रहे हैं so please take this question as there is not much guidance available on international stock. I have Microsoft holdings in 6 years, 25% down in last 1 year. What is the view for Microsoft? Is good yaar, unka Azure acha kar raha hai aur unka baki business bhi acche kar raha hai Microsoft ke. To aapko ye nahi sochna chahiye ki Microsoft, kyunki abhi daam iska bada nahi hai, iska daam thoda ghat gaya to koi company mein problem hai. So Microsoft is good, Amazon is also good. Upar se aadha ho gaya almost Amazon. तो अगर आपको स्टेबल रिटर्न चाहिए तो माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न आप देख सकते हो. और क्लाउड वर्ल्ड में तो अच्छा ही कर रहे हैं, Azure अच्छा कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न में भी अच्छा हो रहा है. शैलेंद्र सिंह कह रहे हैं सर कैन यू प्लीज कंटिन्यू एज पर योर ओन कन्वीनियंस, डोंट ओवर स्ट्रेच, प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. नो आई एम फाइन, आई एम जस्ट हैविंग वाटर एंड वार्म वाटर, सो आई एम फाइन, थैंक यू. करेंगे इसको 2 घंटे तक करते हैं. कितना बचा अभी, 20-25 मिनट और कर लेते हैं. सारे क्वेश्चन ही लेना है आप तो, क्या ज्ञान तो हो गया सारा. निलेश लड्डा कह रहे हैं डियर बसंत जी प्लीज सजेस्ट शुड वी इन्वेस्ट वन टाइम और गो फॉर सिप इन बीएम निफ्टी टॉप 20, इफ सिप देन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी. 3 महीने में डाल दो यार जो पैसा बीएम निफ्टी टॉप 20 में डालना है. बिकॉज मैं क्यों बोलूंगा 3 महीने, बिकॉज निफ्टी उतना गिरता नजर नहीं आ रहा है मुझे. हाँ स्मॉल कैप अगर आप बोलते तो मैं बोलता 3 महीने का सिप कर दो, मल्टी कैप में फिर भी 3 महीने का सिप कर दो, बट मुझे नहीं लगता निफ्टी इतना गिरेगा. और आप देखो मतलब वी हैव गॉट समथिंग राइट इन लाइफ एंड वी हैव गॉट लॉट्स ऑफ थिंग्स रॉन्ग इन लाइफ. तो हमने जो दोनों फंड लॉन्च किए थे, हमने उधर ही लॉन्च किया था कि हम लग रहा था स्मॉल कैप बॉटम हो गया, या पहला वाला जो किया था स्कीम जो स्मॉल केस वाली थी कि जून में हमको लगा कि वो बॉटम हो गया. लेकिन दोनों अच्छा चला वहां उसके बाद भी, बॉटम होने के बाद भी. मतलब जो हमारा फोकस्ड स्मॉल कैप है वो गिरा है जरूर, बट अंडरलाइंग इंडेक्स से हम कम गिरे हैं. बिकॉज इस टाइम वी टुक अ कॉन्शियस डिसीजन कि हमको अंडरलाइंग इंडेक्स से बेटर करना है. और इंडेक्स से बेटर करना, अब कोई बोलेगा 20 स्टॉक लूं कि मैं निफ्टी लूं, निफ्टी के ही तो 20 स्टॉक है यार. ये तो बात है कि दूध आपको किसी ने दिया ऊपर से मलाई मारकर और केसर डालकर. अभी सबको दूध और मलाई और केसर पसंद नहीं है, लेकिन काफियों को पसंद है. तो आप ये सोचिए कि यार ऊपर से मलाई और केसर खा रहे हैं हम, नीचे वाला दूध कोई और पियो बैठकर. वो मिलता है ना रड़ा हुआ गरम गरम दूध, कनाडा में बहुत अच्छा लगता है. मुझे किसी ने पूछा बदलते ना आपका कलकत्ता का फेमस खाने का पॉइंट क्या है, तो आई डोंट नो आप लोग कभी कलकत्ता आए हो कि नहीं. 2 पॉइंट है चाट पकौड़ा है कलकत्ता फेमस, एक तो रसूल स्ट्रीट है तो वो तो हमारे घर से दूर है, एक स्विमिंग पूल का एरिया है, वहाँ सड़क पे
जिसको हम लोग गोलगप्पे बॉम्बे में बोलते हैं, दिल्ली में बोलते हैं, वो वहां पे पुचका बोलते हैं हम लोग, पुचका, भेलपुरी, पाव भाजी, और वो पाव भाजी में इतना सारा बटर डालता है, आपको डाल के आपको लगेगा अरे यार कितना बटर डाला, मेरा हार्ट ही बंद हो जाएगा घर पहुंचते पहुंचते कोलेस्ट्रॉल से, बट कुछ नहीं होता, यू आर फाइन आफ्टर दैट। स्पेशल पाव भाजी बोलते हैं उसको वैसे। तो स्विमिंग पूल एरिया अराउंड कलकत्ता इज वेरी गुड टू हैव ऑल दीज थिंग्स। चलो एनीवे, अंकित कोठारी, सर आई एम फुल टाइम जॉब बट आई वॉन्टेड टू मैनेज माई ओन पोर्टफोलियो, हाउ कैन आई स्टार्ट सो डेट विद इन फ्यू ईयर्स आई एम एबल टू डू डैट विदाउट फुल टाइम जॉब। यू हैव टू रीड अंकित, पढ़ना होगा, पढ़ना मतलब ये नहीं कि आप कोई न्यूज पेपर पढ़ रहे हो, न्यूज पेपर इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, आपको पढ़ना होगा किताबें ऑफ पीपल हु हैव मेड इट बिग इन दिस वर्ल्ड, जिन्होंने कुछ धमाका किया है। मैं आपको किताब का नाम बोलता हूँ, सबसे पहले आप खरीदें थॉटफुल इन्वेस्टर बाय बसंत महेश्वरी, हु थिंक्स दैट इज मेड अ धमाका। अब आप लोग भी नहीं सोचते तो दूसरी बात है, पर मुझे तो लगता है कि मैंने कुछ किया लाइफ में, और थॉटफुल इन्वेस्टर बहुत अच्छी किताब है वैसे, मतलब अब किसी और की किताब होती तो मैं कम से कम दो बार एक्स्ट्रा प्रमोट करता हूँ। दुकानदारी इसमें तो बिल्कुल दुकानदारी है, आप क्योंकि आप खरीदेंगे तो आपका फायदा होगा। आप हमारा स्मॉल कैप नहीं खरीदें, आप कुछ स्टॉक्स ले सकते हैं, आप कर सकते हैं, बट बहुत एक्सपीरियंस गया थॉटफुल इन्वेस्टर लिखने में। वन, वो तो आई होप आपने लिया ही होगा, और जब से YouTube चैनल स्टार्ट हुआ है थॉटफुल इन्वेस्टर के सेल तो एकदम लगता है गाड़ी के ट्रक जो है ट्रक पे लगता है फरारी के चक्के लग गए ऐसे भाग रही है। सेकंड, मैंने आपको पहले भी बोला था मनी मास्टर्स ऑफ आर टाइम जॉन ट्रेन की किताब है, रेमिनेंसेस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर जेसी लिवरमोर की किताब है, ऑथर कोई और नाम है, तो ये 100 साल पहले बनी हुई किताब है। वॉरेन बफेट के एसेज की किताब है लेसन ऑफ वॉरेन बफेट एसेज फॉर कॉर्पोरेट अमेरिका, ये बहुत अच्छी किताब है। इन्वेस्टर्स एंड मैनेजर्स के लिए भी एक है किताब एसेज ऑफ वॉरेन बफेट की, तो ये किताबों से आपको एक बिजनेस सेंस आएगा। देखो अगर आपका बिजनेस सेंस राइट है ना तो आप वैल्यूएशन में रॉन्ग होके बच सकते हो। अगर आपका वैल्यूएशन सेंस राइट हो और बिजनेस सेंस रॉन्ग हो तो आप जब भी फंसोगे आप निकल नहीं पाओगे, दैट इज द प्रॉब्लम। तो आपको बिजनेस समझ में आना चाहिए। अब जैसे बिजनेस समझने की बात है, अब कोई बोलेगा सर मैं कचौड़ी सब्जी की दुकान, मैं कितनों का अपने जान पहचान में फ्रेंड ग्रुप में हर जगह बोलता था कचौड़ी सब्जी बेचो यार, और लेकिन लोग को क्या लगता है कचौड़ी सब्जी बेचे ये क्या काम हुआ, हल्दीराम क्या बेचता है, भुजिया ही तो बेचता है। अच्छा सब तो मुझे बात बताओ, जैसे हम लोग बोलते हैं कि जैसे मैं घर में ही बोलता हूँ कि क्या आपके घर में आप अपनी बहन और बेटी की शादी कोई चमार से करोगे, बहुत कास्टिस्ट वर्ड है, कास्टिस्ट वर्ड है, बट ऐसा कोई खराब नहीं है, सब ह्यूमंस है, बाटा क्या है जूते का ही तो काम करता है, तो क्या खराब है क्या काम करना, लोहार से काम करोगे, लोहार से, लोहार क्या है, टाटा तो लोहार ही, और क्या है, क्योंकि वो टाटा बन गया, क्योंकि वो बाटा बन गया है, वो अपने फील्ड में इतना ऊंचा उड़ गया कि वो चमार और लोहार वाला कैटेगरी से बाहर निकल गया है। तो आप काम कुछ भी करें, आप इतना बड़ा स्केल का काम करें ना कि कोई आपको बोल नहीं पाए क्या काम किया। मोदी खाने की दुकान खोलोगे, मोदी खाने का डीमार्ट क्या है, मोदी खाने की तो दुकान है, आटा दाल चावल यही तो बेच रहा है, तो क्या बेच रहा है। तो कचौड़ी सब्जी की दुकान खोलोगे तो बोलेगा ये क्या है यार, बोले क्या कचौड़ी सब्जी की दुकान छोड़ दो, हल्दीराम क्या कर रहा है, भुजिया ही तो बेच रहा है, वो खड़ा खड़ा वहां पे, वो भी साथ में कचौड़ी सब्जी बेचता है। जुबिलेंट फूड वर्क्स क्या कर रहा है, आपको तो आप बोलेंगे पिज्जा बेच रहा है, पिज्जा है क्या है कि रोटी के ऊपर तो सब्जी डाल के मार के बेच दिया उसने, और क्या है अगर हम बहुत ही हिंदी स्टाइल से देखें तो। तो काम कोई खराब नहीं होता है, जब काम का स्केल छोटा होता है ना तो लोग बोलते हैं, जब स्केल बड़ा होता है तो लोग कोई कुछ नहीं बोलते। आज ही हमारे यूट्यूब अगर होता, मैं यूट्यूब करता और यहाँ पे 25-30 आदमी आए हुए होते, लोग बोलते देखो भाई ये फंड मैनेजर की बुद्धि मारी गई है, यूट्यूब कर रहा है। अब क्योंकि 8,000-10,000 आदमी आ जाते हैं हमारे चैनल पे, तो लोग कैसे बोलेंगे कि देखो भाई ये यूट्यूब कर रहा है, देखो 10,000 आदमी देखकर हर एक आदमी परेशान है, बोले इतना आदमी कहाँ से आ गए। और उसके बाद तो एक और बात है इसमें, क्योंकि हमारा कंटेंट भी इतना स्ट्रांग और हैवी ड्यूटी जाता है कि कोई बोल ही नहीं सकता है कुछ ना। तो काम का स्केल ऐसा करो कि वो स्केल के हिसाब से वो काम बहुत अच्छा लगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कहां से कहां बात चली और कहां पहुंच गई, तो वही वाली बात है कि हमको उस ढंग से देखना चाहिए। चलो विमल वंका वंका वाला, सॉरी सर, शुड वन एलोकेट द फंड 80% इन्वेस्टिंग एंड 20% फुल टाइम ट्रेडिंग, मत करो ट्रेडिंग, इज दिस अ करेक्ट स्ट्रेटेजी फॉर बिगिनर टू डेवलप करियर एंड अंडरस्टैंड। नो नो नो, डोंट डू ट्रेडिंग यार, ट्रेडिंग नहीं होता है बिगिनर के लिए। ट्रेडिंग जो आप बड़े हो गए, आपको एक्सपीरियंस आ गया बाजार का, तो ठीक है ट्रेडिंग, ये सब इंट्राडे इंट्राडे ये सब नहीं होता है, ये कोई प्रोफेशनल करे तो करे। आप नए नए स्टार्ट किए हो, आपके रिटर्न खराब हो जाएगा। आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू ट्रेड एट ऑल। तो मौलिक जोशी करे, हेलो सर, योर व्यू ऑन मिड कैप सीमेंट कंपनी वेरी चीप एंड वेरी गुड, बट पेशेंस का गेम है यार, यू हैव टू कीप होल्डिंग ऑन टू देम, बिकॉज आप होल्ड करोगे तो अभी आप मिड कैप सीमेंट देखोगे, हाँ मिड कैप सीमेंट अगर आप देखोगे तो वो $40-45 ईवी पर टन पे बिक रहा है,
ये तो बहुत ही सस्ता है, इसमें तो कोई रेट ही नहीं है। कोटक जी कह रहे हैं, सर डाइवर्सिफाइंग इज नॉट माई नीड, कैन आई टेक हाई रिस्क फॉर हाई रिटर्न, शुड आई फोकस एंड कीप इन्वेस्टिंग एडिंग इन बीएम विजन 2030 एंड बीएम स्मॉल कैप ओनली? यस, अगर आपको हाई रिस्क हाई रिटर्न चाहिए तो विजन एंड स्मॉल कैप, बीएम स्मॉल कैप इज गुड, उसमें आप डाल सकते हो। आशीष मिश्रा, बसंत जी प्लीज एक्सप्लेन द टर्म्स लाइक शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग एक्सेट्रा, या गुड थिंग। तो शॉर्ट कवरिंग क्या हुआ, सपोज अडानी का भाव, कुछ तो अडानी का बात करेंगे ना, नहीं तो इंटरेस्ट कैसे आएगा। सपोज अडानी का भाव गिर गिर के 1200 हो गया, सबने शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट मतलब आपके पास शेयर नहीं है, आप जाके बेच दिए हैं शेयर को, आपने 1200 में बेचा, आप सोचते हो 1000 जाएगा तो मैं खरीद लूंगा, तो खरीदा हुआ दाम 1000, बेचा हुआ दाम 1200, 200 का प्रॉफिट। नॉर्मली आदमी खरीदता पहले है, बेचता बाद में है। जब शॉर्ट करता है तो बेचता पहले है, खरीदता बाद में, वही फर्क है। तो जब ये हुआ आपका, तो आप देखे कि भाव तो नीचे नहीं जा रहा है, भाव 1200 से आप सोचते 1000 जाएगा, लेकिन भाव 1500 हो गया ऊपर, आप घबरा गए। आप घबराने के बाद आपने क्या किया, आपने शेयर को वापस खरीद लिया 1500 में। तो हमने खरीदा 1500 में, बेचा 1200 में, बस बेचा पहले था, खरीदा बाद में, उसको बोलते शॉर्ट कवरिंग। हमने पहले शॉर्ट किया, वो जब भाव बढ़ गया, हम सोचे नहीं थे बढ़ेगा, हम सोचे थे घटेगा, वो अगर बढ़ गया तो हमने उसको वापस खरीद लिया, उसको बोले शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग में खरीदते बाद में, बेचते पहले है। लॉन्ग अनवाइंडिंग नॉर्मल, 1500 में खरीदा, ये 2500 होने वाला है, मेरे पास खबर आई है। कहां से खबर आई है, मेरे पास हिंडनबर्ग में कोई काम करता है, उसने बोला तू खरीद ले 2500 हो जाएगा, 1500 में भाव हो गया 1200, डर के हमने बेच दिया। 1500 में खरीदा, भाव हुआ 1200, डर के हमने बेच दिया, 300 का हमने लॉस लिया। ये हुआ लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो लॉन्ग अनवाइंडिंग में खरीदना पहले, बेचना बाद में, दोनों में लॉस। शॉर्ट कवरिंग में बेचा पहले, खरीदा बाद में, शॉर्ट कवरिंग, वही फर्क है, दोनों में लॉस वही हो रहा है, बट पहले क्या ट्रांजैक्शन होता है उस पर डिपेंड करता है। चलो भाई, संजय मंडल कह रहे हैं, आई हैव जस्ट स्टार्टेड अर्निंग, व्हाट शुड बी माय प्लान विद 5,000-10,000 पर मंथ फॉर इन्वेस्टिंग? संजय, 5,000-10,000 पर मंथ आप सिर्फ बजाज फाइनेंस और एक और कोई हाथी खरीदते जाओ अल्ट्राटेक टाइप, और कुछ मत करो, या कोटक बैंक ले लो, रिकमेंडेशन नहीं है, बोलकर भी खुद को भी अजीब लगता है, कितने बार नहीं है बोलूं, बट बोल देते हैं फिर भी। बट संजय, यू हैव जस्ट 5,000-10,000 रुपीज पर मंथ, यू कांट पे फीस टू एनीवन, आपको कुछ नहीं करना चाहिए, आपको सिर्फ एक बजाज फाइनेंस, हर महीना आप सोचो मैं घर लाऊंगा और अल्ट्राटेक लूंगा और बहुत पढ़ूंगा। पहले तो आप पहले दो महीने का 20,000 रुपया साइड करो, 10 और 10, 20,000, और किताबें पढ़ो, खरीदो। पीडीएफ में फोकटिया किताबें मत पढ़ो, किताबें खरीद के लाओ, बाजार से लाओ, उनको हाईलाइटर लो और उसको पेन से रगड़ रगड़ के पढ़ो। मेरे किताब यहाँ है नहीं कोई, अगर होती तो मैं आपको लाके भी दिखा सकता था दो मिनट में, कि किताब किस ढंग से होनी चाहिए, कि आपको उसको रगड़ रगड़ के अंदर से तक हाईलाइट नहीं करोगे ना, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि किताब पढ़ी कैसे जाती है। एक सेकंड, मैं किताब लेके ही आता हूँ, एक मिनट आप होल्ड करें यहाँ पे। सॉरी, म्यूट पे रह गया था ये। एनीवे, सो ये किताब मेरी है, ये मनी मास्टर्स ऑफ आवर टाइम है, जॉन ट्रेन की। ये आपको उतना पढ़ने का नहीं, बट अगर आप पढ़ रहे हैं किताब, तो आपको पूरा अंडरलाइन करके पढ़ना है। तो इसी ढंग से अगर आप थॉटफुल इन्वेस्टर खरीदे हो, आप कोई भी किताब खरीदे हो, तो उसको अंडरलाइन कर करके आप पढ़ोगे, तो आप वापस उसको रेफर कर सकते हो, वापस जा सकते हो, वापस देख सकते हो। अगर आप किताब खरीद लिया, ये स्टोरी बुक नहीं है, कोई हार्डी बॉयज और अल्फ्रेड हिचकॉक और सिडनी शेल्डन और रॉबर्ट लडलम नहीं है, कि आप बैठ के पढ़े और उसको छोड़ दिया है और दूसरे में दूसरा होगा। कोई अगाथा क्रिस्टी की नॉवल नहीं है ये आपके कोर्स के मटेरियल की तरह किताबें हैं। आप कॉलेज स्कूल में कैसे किताबें पढ़ते थे, आप खरीदते थे, उसको अंडरलाइन करते थे, नोट्स बनाते थे। जितना ज्यादा आप मेहनत करें एक किताब के ऊपर, एक किताब पढ़ना एक प्रोजेक्ट समझो,
हम पूरे साल में एक किताब पढ़ते थे, आपको याद है क्लास सिक्स में पढ़ा तो इंग्लिश में एक ही लिटरेचर की किताब आई, पूरे साल घसा। क्लास सेवन पहुंचे एक साइंस की बुक आई, पूरा उसको घसे। फिजिक्स की एक बुक आई, उसको पूरा पढ़ा। आप एक किताब को, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है कि ये महीना मैंने पांच किताब पढ़ी, ये महीना मैंने तीन किताब पढ़ी, ये हफ्ते मैंने एक किताब खत्म कर दी, मेरे दो पेंडिंग है। एक शशि थरूर का बहुत क्लासिक इंटरव्यू है, वो बोला एक साल में उसने सोचा था, शशि थरूर एक कांग्रेस वाले इंग्लिश पे जो पूरे ग्रंथी हैं, वो बोला एक साल में सोचा था कि मैं 52 बुक्स पढ़ूं, तो मैंने पूरे साल में 52 बुक्स पढ़ा। मैं छोटी छोटी बुक्स खरीदता था, पढ़ता था, लेकिन दैट्स फॉर रिक्रिएशन, वो आपके एंटरटेनमेंट के लिए। ये पढ़ाई की चीज है, पढ़ाई की चीज जब तक आप बैठ कर उसको ध्यान से नहीं पढ़ोगे, उसको अंडरलाइन नहीं करोगे। अगर आपने थॉटफुल इन्वेस्टर भी खरीदा, आपने रख दिया उठाकर, एक बार पढ़ लिया मैंने, हो गया ना। नहीं, अरे मैं खुद जो किताब लिखा हूँ, मैं भूल जाता हूँ कि मैंने क्या लिखा था, और यहाँ शेयर बाजार में दूसरी गलतियां कर देते हैं हम। तो आप बाकी तो छोड़ो, जो मैं खुद किताब लिखा हूँ, आई कांट फॉलो व्हाट आई हैव रिटन इन माय बुक। तो कई बार मैं खुद भी फ्लिक करता रहता हूँ पेजेस की, और वो किताब में मैंने सब कुछ लिखा है, सब कुछ पढ़ा है उसमें। तो आपको किताब, जो आपकी बात स्टार्ट हुई कहाँ से और हम चले गए कहाँ, तो आपकी बात स्टार्ट हुई थी कि आपके पास 5 से 10 हज़ार रुपए महीना, आप कहाँ से इन्वेस्ट करें। पहले 20 हज़ार रुपए लगाकर किताबें खरीदो यार, किताबें खरीदो। उसके साथ हाइलाइटर पेन होता है, मुझे पता नहीं अभी कितने रुपए की आती है, बिकॉज अब तो मैं किताबें पढ़ता नहीं उतना, बिकॉज टाइम नहीं मिलता है। वो पहले एक हाईलाइटर पेन होता है, तो येलो ब्लू ग्रीन, मुझे येलो कलर अच्छा लगता था, तो येलो कलर का हाईलाइटर पेंसिल से मार्क करना और उसमें वापस उसको जाके घसना, देखना। तो यू हैव टू डू दैट। अब आप बोलेंगे कि मेरे को किताब पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं आता, मन नहीं आता करता इतना मोटा किताब पढ़ने का, मन तो करना ही पड़ेगा ना। अगर आप फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आस्क बसंत प्रोग्राम कर रहे हैं, जहां क्वेश्चन आंसर डील करते हैं, आप उसको देखो, बिकॉज वहां पे भी हम एक बिजनेस मॉडल एनालिसिस करते हैं कि बिजनेस किस ढंग से चलना चाहिए। एक मैंने किताब पढ़ी थी, बहुत बहुत पहले किताब थी, वो गूगल के जो फाउंडर थे उनके ऊपर किताब थी। तो वो लोग कैसे पैसा बनाए हैं लाइफ में, वो उनके लाइफ में तकलीफें क्या हुई है, ये सब आपको देखना होगा। ये सब किताबें अगर आप हम देखते हैं तो वो हिसाब से देख रहे हैं। एक सेकंड, हाँ आई एम इन फुल टाइम, ये तो हो गया, एक सेकंड रुकिए रुकिए प्लीज। मौलिक जोशी बोल रहे हैं सर, नहीं तो हो गया भाई, आई थिंक आई हैव लॉस्ट समथिंग। संजय मंडल हो गया, हाँ। नंदराम पांडे, सर मेरा क्वेश्चन नहीं लेते आप, क्यों भाई पांडे जी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? मैंने टिप्स इंडस्ट्रीज के बारे में पूछा था, टिप्स तो हमने डिस्कस किया था पांडे जी, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि हमने क्वेश्चन नहीं लिया? और टिप्स हमारे स्मॉल केस में भी है, और टिप्स हमने बहुत इलाबरेट डिस्कशन किया था, टिप्स, सारेगामा, प्लेटफॉर्म बिजनेस, वो एक बार गाना चलाएगा, टिप्स के 90s के गाने, वो अलका याग्निक, कुमार सानू और सारे गाने हैं, वो उसके आगे टी सीरीज बहुत डोमिनेंट फोर्स है, ये तो सब हमने किया था। वो उनको कंटेंट के लिए खर्चा करना पड़ेगा, नया गाना सेटअप करना होगा उनको। पूछा था, मेरा थॉट था स्मार्टफोन पेनिट्रेशन इन रूरल इंडिया, एब्सोल्युटली करेक्ट, फ्री से प्रीमियम की तरफ, एड कंपनीज गोइंग ऑन डिजिटल, बिल्कुल सही। और इसका आपको टिप्स और सारेगामा के लिए तो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा मुकेश अंबानी और जियो को, जो इतना सस्ता इंटरनेट कर दिया, इसीलिए लोग बैठे बैठे चल रहे हैं। एक्चुअली हमारा भी यूट्यूब चल रहा है जियो के कारण, नहीं तो आप थोड़ी यहाँ पे आते हैं। अभी वो पहले याद है जब डायलअप होता था, यहाँ पे टू 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 करके कनेक्शन लगता था, और जैसे ही मेल खुलता था हम पीछे से काट देते थे जाके मॉडेम को कि यार और डेटा नहीं यूज हो। तो वो तो डिफरेंस है ही है ना, टिप्स और सारेगामा तो उसी के कारण हुआ है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट, टिप्स उतना, टिप्स फ्री कैश फ्लो बिजनेस, अब हमारे एग्जाम्पल से लेते हैं, टिप्स डिविडेंड पे करेगा, फ्री कैश फ्लो है, मेरे को लगता नहीं इसमें ग्रोथ उतना ज्यादा है, 12-15% का ग्रोथ होगा, 15-20 हो सकता है, और केपेक्स बहुत चाहिए उसको, बिकॉज वो सारा पैसा उठाकर जब डालेगा कंटेंट में तो ही वो नया कंटेंट बनाएगा, राइट? बिकॉज आज से 30 साल बाद, आज से 20 साल बाद ये 90s के गाने सुनने वाले लोग चले गए होंगे ऊपर, मतलब 40 साल बाद हम और आप नहीं रहेंगे इस दुनिया में, क्योंकि 90s वाले गाने सुना, आज के आप अपने बच्चों को सुना दीजिए 90s के गाने, उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है 90s के गानों से। तो जो 90s का गाना है, जहाँ टिप्स के पास बेसिक लाइब्रेरी है, जैसे सारेगामा के पास लाइब्रेरी है 60s 70s के गाने की, तो वो सब लोग चले जाएंगे, तो वो गाने आप लिरिक्स विरिक्स कह सकते हैं, आरडी बर्मन और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल, लेकिन ठीक है, सुनने वाले ही नहीं रहेंगे तो फिर क्या करना आपको। जयंत घोषाल कह रहे हैं, कैन आई गेट 15% CAGR इन 5 years ऑफ इन्फोसिस? आई थिंक सो, 15% इन्फोसिस में नहीं मिलेगा तो 13% मिल जाएगा, तो क्या प्रॉब्लम है यार, 6 साल में 15 हो जाएगा, आई थिंक इट्स ओके।
four or five checks for identifying if a stock is overvalued, undervalued. Regards, Abhishek. Four or five checks नहीं है, एक तो आपको पी रेशियो देखना है. अगर उसका पी रेशियो बहुत हाई है तो नॉर्मली वो ओवरवैल्यूड माना जाता है, बट पी रेशियो हाई है लेकिन ग्रोथ भी ठीक है. तो ओवरवैल्यूड है बट इट्स ओके. अगर पी रेशियो हाई है और ग्रोथ नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल एशियन पेंट है तो ओवरवैल्यूड है, लेकिन अगर पी रेशियो हाई है एशियन पेंट, ग्रोथ कम है लेकिन वो डिविडेंड दे रहा है तो ओवरवैल्यूड है, लेकिन वो गिरेगा नहीं, वो अटका रहेगा. क्यों? क्योंकि डिविडेंड फ्लोर बन जाएगा उस स्टॉक के लिए. ओवरवैल्यूड है, अब कैसे फाइनल कैसे पता चलेगा? बहुत अच्छा सेटअप है लेकिन मैनेजमेंट का आपको विश्वास ही नहीं है, बिजनेस आपको पता ही नहीं है क्या है. सिक्लिकल बिजनेस है, फॉर एग्जांपल टाटा स्टील है, 3 के PE पे मिल रहा है, आप बोलेंगे सस्ता है और अंडरवैल्यूड है, डिविडेंड दे रहा है, बोलेंगे बहुत बढ़िया है, फ्री कैश फ्लो है क्योंकि केपेक्स नहीं कर रहा है, बहुत अच्छा है, ग्रोथ लग रहा है अभी 15% कर लेगा, ठीक है, लेकिन है तो सिक्लिकल ना, तो वो ओवरवैल्यूड हो जाएगा उस समय. तो अलग अलग एंगल से अलग अलग चीजें देखनी. तभी हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टिंग इज नॉट अ वन साइज फिट्स ऑल. अमोद अठवाले, हेलो सर, व्हाट आर योर व्यूज ऑन L&T एंड HDFC बैंक? एकदम बढ़िया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ब्लू जीन्स की तरह आपके वार्डरोब में है, आप रख लें, लेकिन सिर्फ ब्लू जीन्स पहन के नहीं घूमेंगे ना आप, तो आपको तो कुछ और भी चाहिए. डू यू थिंक L&T इज टू डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट? कितने सालों से कॉन्ट्रैक्ट है. व्हाट विल हैपन आफ्टर AM नायक रिटायरमेंट? L&T कितने सालों से चल रहा है और कम से कम 100,000 आदमी काम करते होंगे L&T पे. डू थिंक AM नायक ऑल्सो रिमेम्बर्स द नंबर ऑफ पीपल, द नेम्स ऑफ द पीपल हु वर्क देयर? वैसे क्वेश्चन, एक बात थी कि आज से 30 साल पहले रूसी मोदी करके काम करते थे टाटा स्टील में, तो रूसी मोदी न्यू द नेम ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द वर्कर्स इन टाटा स्टील जमशेदपुर बाय द फर्स्ट नेम. तो रतन टाटा आते ही पहला काम उन्होंने किया कि रूसी मोदी की छुट्टी की, तो वो बड़ा झंझट झमेला हुआ, वो दूसरी स्टोरी है कोई दिन की. तो बट इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में एक आदमी मैटर नहीं करता, बियॉन्ड द पॉइंट आप निकल पड़ते हैं आगे. ये बोल रहे हैं अमोल पाटिल, हेलो सर, आई एम इन्वेस्टिंग 1 lakh पर मंथ, स्टार्टेड इन्वेस्टमेंट 2 years बिफोर, टोटल पोर्टफोलियो 16% डाउन, यू आर डूइंग ओके यार, 2 साल में आपसे 16% गिरे हो तो बहुत सही हो. प्लीज सजेस्ट फॉर प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इन लो मार्केट. आई हैव 15 to 20 years. ओ वेट्स वेरी नाइस, 15-20 years, बट अगर आप 2 साल में सिर्फ 16% गिरे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप और ले आओ पैसे. 1 lakh rupees लाना कोई बड़ी बात नहीं है, घर में कहीं तो कहीं किसी न किसी के पास होगा, कोई FD होगा, कोई होगा. अब देखो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ, एनकरेज नहीं कर रहा हूँ कि आप किसी को फोर्स करके पैसे लो, बट ये सब पैसे आप इस मार्केट में नहीं डालोगे तो आप कब डालोगे मार्केट में पैसे. तो आई थिंक दीज आर द टाइप ऑफ स्टॉक्स एंड दीज आर टाइप ऑफ मार्केट्स वेयर यू हैव टू पुट इन मनी, बिकॉज द मोर मनी यू पुट इन दीज काइंड ऑफ मार्केट्स. 1 lakh rupees में वही वाली बात है, आप 100 गुना भी कर लोगे, 100 गुना 100 times 1 lakh को अगर आप कर लोगे, 1 lakh को, यू स्टिल हिट 1 crore. 1 crore ही तो हुआ ना. हाँ, 1 crore बहुत रुपया होता है जब आपके पास 1 crore नहीं होता है तो, लेकिन जब आपके पास 1 crore होगा ना तो आपकी ख्वाहिशें, आपके एस्पिरेशंस, आपकी चीजें भी बढ़ जाएगी. आपको लगेगा कि यार 1 crore में क्या क्या करूं, मैं कहां मैं घर लूं, कि मैं बाहर घूमने जाऊं, कि मैं माँ बाप के लिए कोई सामान लाऊं, कि मैं अपने फ्यूचर रिटायरमेंट के लिए कुछ करूं, शादी भी हो जाएगी जब तक आपके बच्चे भी बड़े होने लग जाएंगे तो बच्चों के पढ़ाई कराऊं. तो 1 crore rupees लगता अच्छा है जब नहीं होता है, जब होने लगता है ना तो 1 crore के हिसाब से आपके पास अलग अलग लाइफ में ना रिक्वायरमेंट्स आ जाती है. हाँ, रिक्वायरमेंट 5 crore के बाद आपके पास नहीं आती, 5 crore हो गया तो बहुत है आपके पास, फिर वो ठीक है. तो वही बात घूम फिर के ये भी कि 1 lakh rupees में और डालो पैसे, कुछ भी करो, ट्यूशन करो, होम ट्यूशन करो, साइड बिजनेस करो, आप क्या काम करते हो मुझे पता नहीं है, बट कुछ भी करो, आप पैसे और कमाओ. और छोटी इनकम वालों को खर्चा बचाने से ज्यादा इनकम बढ़ाने पे स्ट्रेस करना चाहिए. खर्चा कितना बचा लोगे? बाहर से ब्रेड नहीं मंगाओगे, घर में रोटी बना के खा लोगे, यही तो फर्क पड़ेगा. 20-25 rupees की ब्रेड बचाकर कितना आगे बढ़ोगे लाइफ में? इनकम बढ़ाओ, इनकम स्ट्रीम बढ़ाओ, कुछ भी करते जाओ, इनकम स्ट्रीम बढ़ाओगे तो अपने आप देखोगे कि लाइफ में आप आगे बढ़ते जा रहे हो. बट अगर इनकम स्ट्रीम नहीं बढ़ेगा तो फिर मेरे को लगता है बहुत लंबा हो जाता है वो आगे लाइफ में चलना. और देखो ये सब अभी लोग सोचते होंगे, काफी लोग आप लोग में से, कि मैंने 1 crore rupees को ऐसे डिसमिस कर दिया कि जैसे 1 crore कोई चीज ही नहीं है. 1 crore बहुत बड़ी चीज है. जब मैं लाइफ में स्टार्ट किया था मेरा एस्पिरेशन था कि 1 crore rupees हो जाए, लेकिन जब वो 1 crore होता है ना तो आपके रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाते हैं. आप आदमी उन आदमियों से मिलते हो जिनके पास 2 crore 5 crore 10 crore होते हैं,
तो आपके भी इस शौक बढ़ जाती है, आपको फिर वैगन आर से काम नहीं चलता है, आपको भी फिर होंडा सिटी चाहिए होती है। तो धीरे 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 लाइफ में भरते हैं हम लोग, प्रोग्रेस करते हैं। तो ये सब देखने के एंगल ये है कि आपको ऐसा ही सोचना चाहिए कि शुरू में पैसे इतने डालो जितना हो सके डालो, और उसके बाद ठीक है, उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा तो एक साल बाद बढ़ेगा, दो साल बाद बढ़ेगा। तो यही सब देखते हुए आपका पोर्टफोलियो जो है ना, 1 लाख रुपए से स्टार्ट करना, मेरे को तो लगता है कुछ भी करो कम से कम 3-4-5 लाख रुपए से जरूर स्टार्ट करो। कम से कम उसको 10 गुना होते 50 लाख तो पहुंचो, 1 लाख से 10 गुना हुए तो 10 ही लाख पहुंचे ना। तो 10 गुना होना बहुत ईजी काम नहीं है, लेकिन कभी कभी हो जाता है 10 गुना 20 गुना पैसा हो जाता है। 5 लाख से स्टार्ट किया, किसी ढंग से अगर 20 गुना हो गया 10 साल में, तो आप 1 करोड़ पहुंच गए, फिर आपका होम रन ऑलमोस्ट लग गया। उसके बाद फिर आप धीरे धीरे अपना आगे बढ़ सकते हो लाइफ में। तो वही सोचना चाहिए कि रिक्वायर्ड रन रेट जब 18 का होता है ना, तो सिंगल से काम नहीं होता है, आपको कम से कम हर बॉल पे बैट घुमाना पड़ता है और जोर से घुमाना। वही वाला एग्जांपल, जोर से घुमाओगे तो अगर एज भी लगाना तो स्लिप्स के ऊपर से थर्ड मैन से ऊपर से 6 रन मिलेंगे। अगर धीरे से बैट घुमाओगे और छोड़ ही दोगे सुनील गावस्कर की तरह, तब तो फिर 60 ओवर में 36 नॉट आउट बनाओगे। वैसे ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है, एक फर्स्ट वर्ल्ड कप हुआ था इंग्लैंड में 1975 में, उसमें सुनील गावस्कर ने पूरे 60 ओवर खेले और 36 नॉट आउट बनाया 60 ओवर बैटिंग करके। तो लोगों ने बोला भाई तूने पूरे 36 ओवर पूरे 60 ओवर खेला, बोला 60 ओवर तो मैंने नहीं खेला, बाकी भी तो प्लेयर थे। बोला हाँ ठीक है, बट तुमने 36 नॉट आउट, बोला आई वाज ट्राइंग टू गेट सम बैटिंग प्रैक्टिस, बिकॉज अगर मैं आउट हो जाता या कुछ नहीं करता तो तुम लोग तो ऐसे ही आउट होने वाले थे, तो मैं तो बोला चलो कम से कम बैटिंग प्रैक्टिस यूज करो। तो वो भी एक जमाना था 1975 में कि 60 ओवर के गेम में 36 नॉट आउट होकर सुनील गावस्कर वापस पवेलियन आ रहे थे। तो एनीवे गावस्कर को देखते देखते हम लोग बड़े हुए हैं, लेकिन कुछ कुछ उनके भी अजीब अजीब किस्से हैं जो सुनने और देखने लायक है। वैसे जब हम बड़े होते थे ना, तो उस समय टीवी जब ऑन करते थे, थोड़ा ऑफ टॉपिक है ये, तो पिक्चर बाद में आती थी और साउंड पहले आता था, धीरे 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 करके पिक्चर आती थी कम से कम 20-30 सेकंड तक। तो जो 20-30 सेकंड पिक्चर नहीं आती थी और इंडिया की बैटिंग होती थी, तो हम लोग को ये देखने में इंटरेस्टिंग होता था गावस्कर बैटिंग कर रहा है ना, क्योंकि अगर गावस्कर बैटिंग नहीं कर रहा तो अच्छा होता तो एक बार टीवी बंद कर दो यार, बाद में देखेंगे। तो एनीवे सो मच सो फॉर दैट। तो ये फाइनली हम लोग घूम फिर के क्रिकेट पे आई गए, बट बॉटम लाइन ये है कि बहुत अच्छा हुआ इतने जन आए आप लोग, और इट हैज बीन अ फिनोमिनल एक्सपीरियंस। और अगर इतने जन आप लोग आएंगे तब तो फिर हमें ज्यादा भी करना पड़ेगा, और करेंगे क्यों नहीं करेंगे। आई होप आप लोग के लिए एंटरटेनिंग भी हुआ होगा, एंड आई होप कि आप लोग को समझ में भी आया होगा कि मोटे तौर पर ROE, EPS, PE, डिविडेंड यील्ड, कैश फ्लो, ग्रोथ क्या होता है। और ये सब अगर आपको समझ में आया और आपको अच्छा लगा होगा तो ऑब्वियसली आप और पढ़े उनके बारे में, इसको पीछे रिवाइंड करके भी आप देख सकते हैं। आई थिंक आप 2-3-4 बार देखोगे तो यू विल गेट अ ग्रिप ऑफ व्हाट हैज वर्कड ओवर द लास्ट 10 ईयर्स इन द मार्केट एंड व्हाट हैज नॉट। तो ये कोई मल्टी बैगर वाला गेम नहीं था, ये ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था कि आइए मैं बताऊं आपको करोड़पति बनने के 4 नुस्खे। हाँ, तो ये वाला गेम नहीं था, वो होता नहीं है, वो प्लानिंग से नहीं होता है, वो जब होता है तो हो जाता है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट, जब भी हम लोग लाइव इवेंट करेंगे कुछ इवेंट देखेंगे, और हिंदी का तो हम स्टार्ट करना ही है हमें, बट 1-2 महीना रुक कर करते हैं, हिंदी का भी देखते हैं। थैंक यू, बाय।